हाय एवरीवन, मैं आपका इंस्ट्रक्टर नईम। आज इस वीडियो में एडवांस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग सीखेंगे। तो जी कंप्लीट बेसिकली वन वीडियो का कोर्स होगा, ठीक है। मैं भी वन वीडियो और टू और थ्री में शायद इस पे देखूंगा कि मैं काफ़ी सारी एडवांस लेवल पे वीडियो बना पाऊँ, ठीक है। तो जस्ट इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे सी प्लस प्लस में एडवांस लेवल पर काम कर सकते हैं। अगर आप बिगेनर हैं, अगर आपने अभी तक सी लैंग्वेज का आपको नॉलेज नहीं है या सी प्लस प्लस का, तो मेरे चैनल पे मैंने एक वीडियो डाली हुई है बेसिक सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग की, ठीक है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस वीडियो को इजीली देख सकते हैं, ठीक है, अगर आप बिगेनर हैं। अगर आप बेसिक सी प्लस प्लस सीख चुके हैं तो ये वीडियो आपके लिए कम्प्लीट परफेक्ट वीडियो है, जिसमें आप सीखोगे भाई कि एडवांस सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पर कैसे काम किया जाता है, ठीक है। जस्ट ये है कि बेसिक से जब आप बेसिक सीखते हैं तो आप इफ एल्स लूप्स कंडीशंस ये सारी चीज़ें, आप बेसिक वेरिएबल ये चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। वो टॉपिक आप उसमें डिस्कस करते हैं बेसिक पे, लेकिन एडवांस लेवल पे जहाँ तक बात आती है तो जस्ट हम लिटिल बिटल जस्ट एडवांस लेवल की चीज़ें पढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। कि लेट्स से मेरा इसमें जो है हम लोग क्या क्रिएट करने वाले, मैं बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ वाई सी प्लस प्लस, ठीक है, कि सी प्लस प्लस क्यों सीखते हैं लोग, मैं आपको क्यों रिकमेंड करूंगा या मैंने क्यों वीडियो बनाई है सी प्लस प्लस पे, ठीक है। तो सी प्लस प्लस इज़ अ प्रोसीजरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। सी प्लस प्लस इज वाइडली यूज अमंग द प्रोग्रामर्स आर डेवलपर मेनली इज एन एप्लीकेशन डोमेन, ठीक है। सी प्लस प्लस लोग इस वजह से सीखते हैं क्योंकि ये कोर प्रोग्रामिंग है, ये बेसिकली हार्डवेयर पर काम करती है, सॉफ्टवेयर पर काम करती है, मतलब ये कंप्यूटर की एक बेस है। अगर आपको सी लैंग्वेज अच्छी तरह से आती है तो आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर लिख सकते हैं, डिफरेंट एप्लीकेशन बना सकते हैं, और मशीन लर्निंग जो भी जितना काम भी है आप सी प्लस, क्योंकि आप अगर अपने सिस्टम को यूज़ करते हैं, आप अपने कंप्यूटर को यूज़ करते हैं या विंडो को यूज़ करते हैं, तो इसके बैकअप में सारी सी लैंग्वेज ही चल रही है, ठीक है। तो अगर आपको सी लैंग्वेज अच्छी तरह से आ जाती है तो आप दूसरी लैंग्वेजेस लाइक जावा, पाइथन, जावास्क्रिप्ट, पीएचपी आप इजीली सीख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बेसिक अगर आपको आगे यहाँ पे लॉजिक होते हैं तो इस लॉजिक की बिना पे आप आगे फिर मूव कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूज सी प्लस प्लस इन, कहाँ कहाँ पे सी प्लस प्लस यूज़ होती है, ठीक है। मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, आप वीडियो को पास करके रीड कर सकते हैं, लेकिन जस्ट मैं लिटिल बिटल जस्ट आपको गाइडलाइन ही दे देता हूँ कि क्योंकि टाइम ज़ाया ना हो, ठीक है। जस्ट ये आप पढ़ सकते हैं, ठीक है, कि एप्लीकेशन में कैसे यूज़ होते हैं। सी प्लस प्लस यूज़ होती है भाई ग्राफिकल इंटरफेस सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, जैसे आपने देखा होगा एडोबी फोटोशॉप, एडोबी प्रीमियर, इलस्ट्रेटर, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो आप सी प्लस प्लस में लिख सकते हैं। ये सी प्लस प्लस में लिखे गए, ये बहुत ही एडवांस लेवल के आइडिया हैं, लेकिन इतना समझ लें, अपने माइंड में डाल दें कि सी प्लस प्लस में ये काम होते हैं, ठीक है। उसके बाद सी प्लस प्लस गेम्स में भी यूज़ होती है, ठीक है, 3D गेम जो आप देखते हैं, ठीक है, जो आप मोस्टली डेस्कटॉप पे गेम जो भी खेलते हैं, ठीक है, ये सी प्लस प्लस में लिखी होती है, ठीक है। और हार्डवेयर को कंट्रोल करना, ठीक है, जिससे आप रिमोट से कुछ चीज़ कंट्रोल करते हैं, ये भी सी प्लस प्लस में ही होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कंसेप्ट है ब्राउज़र का। देखें आप कोई आप डिफरेंट ब्राउज़र यूज़ करते हैं, गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, मोज़िला, एंटर एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये जो है आप तमाम ये सारे ब्राउज़र भी सी प्लस प्लस लैंग्वेज में लिखे गए हैं, और इसमें देखें कितने ही हमें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई जस्ट यूजिंग सी प्लस प्लस लैंग्वेज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि एनिमेशन में भी यूज़ कर सकते हैं। लेट से आप 3D सॉफ्टवेयर देखते हैं जिसमें आप एनिमेशन कार्टून वगैरह बनाते हैं, ठीक है, लेकिन आपको पता तो नहीं होता किसी वो किससे बना हुआ, कैसे बना हुआ है, तो ये अपने माइंड में डाल दें कि सी प्लस प्लस में ही बने होते हैं इस तरह के सॉफ्टवेयर ज़्यादातर, ठीक है। अदर लैंग्वेजेस में भी बने होते हैं लाइक सी शार्प, इसमें भी बने होते हैं यूनिटी 3D, लेकिन ये है कि सी प्लस प्लस में भी बनते हैं। सी प्लस प्लस एक काफ़ी पॉपुलर और स्ट्रांग लैंग्वेज है, ठीक है, ये कंपनी में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है। और जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं वो हमारे पास जो प्रोग्राम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। जस्ट मैंने तो टाइटल ऐसा लिखा है कि मैं एक वीडियो पे मुश्तमिल वीडियो बनाऊंगा, लेकिन ये जो टॉपिक है ये एक वीडियो में कवर होंगे, मैं उसके बाद डिसाइड करूँगा क्योंकि मैं देखूँगा इससे आगे और भी मज़ीद एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स, तो मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर इससे आगे एडवांस लेवल के प्रोग्राम लेके आऊँगा, ठीक है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मेरे चैनल पे अब मैंने इस तरह से सोचा है कि मेरे चैनल पे हर वीक के बाद एक वीक के बाद कंप्लीट एक वीडियो आएगी, ठीक है, मतलब जिसमें एक कंप्लीट 40 से 50 या 1 आवर की वीडियो हो सकती है, जिसमें कंप्लीट किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे उसमें वन वीडियो में आपको तकरीबन पहले बेसिक भी बनाऊंगा, फिर उसके बाद अगर दूसरी वीडियो बनाऊंगा फिर एडवांस लेवल पे बनाऊंगा, इस तरह से आपको मोटिवेट करूँगा, आपको एजुकेशन आप इजीली एजुकेशन हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो हम प्रोग्राम कवर करने वाले हैं वो हमारे पास है भाई
कि वर्किंग विद स्ट्रिंग्स, हम स्ट्रिंग पे थोड़ा सा काम करेंगे भाई कि कैसे स्ट्रिंग पे। आप देखोगे सी प्लस प्लस में बेसिक आप सीखते हैं तो आप डेटा टाइप सीखते हैं, करेक्टर, फ्लोट, इंट, ठीक है, इंटीजर जो भी हैं। अब स्ट्रिंग भी उनमें से होती है, तो थोड़ा सा हम यहाँ पे स्ट्रिंग को एडवांस लेवल पे सीखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें कुछ यहाँ पे ये फंक्शन पढ़ेंगे, गेट लाइन, सर्च, ये बेसिकली प्रोग्राम है। मैं आपको बताऊँगा ASCII टेबल को कैसे शो करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा रियल प्रैक्टिकल वर्क होगा वो मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम होगा, ठीक है। मेरी आई थिंक पिछली वीडियो में कमेंट भी आया था कि आप मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बना दें, ठीक है। तो मैंने सोचा ये मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाऊंगा मैं, ठीक है। इसमें ये कि यूज़र से हम डेटा कलेक्ट करेंगे और ये होगा बेसिकली एक स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम होगा, ठीक है। मैं जब क्रिएट करूंगा मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है वर्किंग विद फंक्शंस, हम थोड़े से फंक्शन पे काम करेंगे। लॉट ऑफ स्टूडेंट कन्फ्यूज होते हैं कि रिटर्न और वाइड में क्या डिफरेंस होता है, जब वो इंट लिखते हैं, मैन लिखते हैं, जब आप सी प्लस प्लस का प्रोग्राम क्रिएट करते हैं या वाइड मैन लिखा होता है, तो ये क्या फ़र्क होता है, ठीक है। उसके बाद इसमें परसेंटेज फाइंड करेंगे, ठीक है, परसेंटेज एक न्यू वे से फाइंड करेंगे, आपको बताऊंगा। उसके बाद जो हमारा इसमें बेस्ट जो एग्जांपल होगी हमारी प्रोग्राम की, वो डिस्काउंट अमाउंट फॉर अ कस्टमर होगी, ठीक है। कि कस्टमर आएगा शॉप पे, आप उसको अगर वो फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि भाई आपने अगर 5000 की शॉपिंग की है तो मैं इतने परसेंट आपको डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। अगर इससे कम किए तो इतने परसेंट डिस्काउंट, ये प्रोग्राम हमारा सी लैंग्वेज में बनेगा, ठीक है। उसके बाद हम वर्किंग विद एरेस, एरेस पे थोड़ा सा काम करेंगे, बेसिक एरेस देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सॉर्टिंग करेंगे एरे, सॉरी थोड़ी सी सर्चिंग करेंगे एरे के अंदर, ठीक है। उसके बाद ये डिफरेंट मैंने प्रोग्राम बनाए हुए, साथ साथ में आपको बताता हूँ कि हमने क्या करना है। तो चलिए अपने डिफ सी प्लस प्लस एनवायरनमेंट को ओपन करते हैं और काम करना स्टार्ट कर देते हैं। प्लस प्लस का कोड लिखते हैं, ठीक है। आप गूगल पे जाएं, डिफ सी प्लस प्लस डाउनलोड लिखें, आपके सामने ये ऑप्शन आ जाएगी, ठीक है। इस ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और आपने इजीली इसे अपने सिस्टम में डाउनलोड करके और उसे इंस्टॉल कर देना है। यहाँ पे क्लिक कर दें तो ये डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने बेसिकली जो है मेरे चैनल पे अगर आपने बेसिक वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, सी प्लस प्लस की, मैं ऑलरेडी एक बेसिक वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो आप मेरे चैनल पर आएँ, ठीक है। जस्ट आपने यूट्यूब ओपन करना है, यूट्यूब पर यहाँ पर सर्च बार में आपने लिखना होगा, जस्ट इंटरनेट आई थिंक काफ़ी स्लो है तो मैं अभी यहाँ पे जस्ट आके आपने लिखना होगा नेम अकेडमी, ठीक है। जस्ट नेम अकेडमी लिखें, अगर आप टेक्नोलॉजी आगे लिखते हैं तो मेरा चैनल ही परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे देखें नेम अकेडमी चैनल है मेरा, ठीक है। अगर इसको ओपन करना है, ठीक है, इस चैनल पे ओपन करने के बाद यहाँ पे आएंगे सर्च में, यहाँ पे देखें एक सर्च का आइकन है, इस सर्च पे आप क्लिक करके यहाँ पे जस्ट लिख सकते हैं सी प्लस प्लस, ठीक है। जो ये सी प्लस प्लस लिखेंगे तो इस चैनल के अंदर मेरी यहाँ पे देखें सी प्लस प्लस की वीडियो, कम्प्लीट वीडियो है, ठीक है, जो कि बिगिनर, काफ़ी मैंने बेसिक लेवल पे इसमें सारी चीज़ें बताई, ठीक है। अगर आप यूट्यूब पे भी जाके आप लिखेंगे सी प्लस प्लस इन वन वीडियो, अगर आप लेफ्ट से सर्च करते हैं फॉर एग्जांपल, तो तब भी मेरी वीडियो यहाँ पे जस्ट यहाँ पे आएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आप वॉच कर सकते हैं, इसमें तमाम मैंने बेसिक लेक्चर बताए हुए, ठीक है। उसके बाद आप सी प्लस प्लस एडवांस लेवल पर काम कर रहे हैं तो वो कैसे करते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले मैं कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं अब सबसे पहले लाइब्रेरी डालता हूँ, ठीक है। हैश इंक्लूड आई स्ट्रीम, ये बेसिक मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं रिवाइज़ नहीं करने वाला, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी सारे काम करना है, काफ़ी सारे एडवांस लेवल पर, तो इस वजह से हम इसको रिवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। ये बेसिक वीडियो आप मेरी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंट मैन, ये मेरा बेसिकली एक फंक्शन है, मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ रिटर्न जीरो, ठीक है। ये मैं आपको बताऊँगा फंक्शन के अंदर कि ये हम कैसे लिखते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा बॉडी स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस लैंग्वेज का, ठीक है। जो हमने सबसे पहले काम करना है, हमारा टारगेट ये था, जस्ट मैंने एक प्रेजेंटेशन तैयार की थी, जो हमारा काम है गेट लाइन फंक्शन क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। देखें, जब हम सी लैंग्वेज में काम करते हैं, हम लेफ्ट से एक स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ, नेम लिखता हूँ, ठीक है, और यूज़र से कहता हूँ कि भाई एंटर योर नेम डालो, ठीक है, अपना नाम डाल दो, ठीक है। यूज़र अपना नाम डालते हैं, मैं उसको गेट करके बेसिकली उसके नेम को गेट करके नेम के अंदर स्टोर करके यहाँ पे फिर उसको क्या करवा देता हूँ, प्रिंट करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ योर नेम इज़, ठीक है, उसके बाद उसका नाम जो है, ठीक है। अब वो नेम को मैं यहाँ पे लिखूँगा, कंट्रोल एस करते हैं, इस फाइल को पहले सेव करते हैं, ठीक है। मैं आपको गाइडलाइन देता हूँ, मैं डेस्कटॉप इसे सेव करता हूँ, इसका नाम मैं जस्ट रख देता हूँ स्ट्रिंग डॉट सी पी पी, ठीक है। उसके बाद देखें जी, मैंने स्ट्रिंग क्रिएट की, यूज़र को मैसेज शो करवाया, उसने नाम लिखा, वो नाम इस वेरिएबल के अंदर चला गया सीन की मदद से, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कहा योर नेम इज़, और वो जो नेम होगा, ठीक है, इसको कंपाइल करते हैं। इसको कंपाइल करने के बाद चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ठीक है। तो हमारी कंसोल एप्लीकेशन रन हो गया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें अपना नाम लिखता हूँ नेम, तो मैंने लिखा योर नेम इज़ नेम आ गया, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन अगर मैं इसे दोबारा कंपाइल करता हूँ, मैं आपको जस्ट ये बताता हूँ कि इसमें हमारे पास डिफरेंस क्या है। मैं अगर लिखता हूँ नेम खान, ठीक है, लेट्स से मैं नेम खान लिख सकता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर देखें योर नेम इज़ नेम खान नहीं आया, क्यों, क्योंकि असल में सीन फंक्शन काम करता है कि एक वर्ड के लिए जहाँ पर स्पेस आ जाती है उसके बाद ये आगे काम नहीं करेगा। तो इसको ख़त्म करने के लिए हमारे पास एक दूसरा फंक्शन है गेट लाइन, ठीक है, जस्ट ये मैंने बताना था।
अब गेट लाइन लिखें, गेट लाइन में दो पैरामीटर पास करने हैं, एक तो सी एन पास करना है, कामा लगाना है कि यार सी एन से हमने वैल्यू लेनी है, उसके बाद दूसरा हमारे वेरिएबल का नाम। जो ये लिखेंगे आपके पास यहाँ पे देखें, आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है, कि गेट लाइन फंक्शन क्या करेगा, यूज़र सी एन फंक्शन, आपने सी एन डालना है, उसके बाद नेम। अब ये क्या करेगा, परफेक्ट यूज़र से नाम लेगा और उसे शो करवाएगा, ठीक है। अगर मैं कुछ भी मतलब एक लाइन पूरी लिखता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ नईम खान, एंटर प्रेस किए तो यहाँ पे देखें योर नेम इज़ नईम खान। तो ये बेसिकली इसने कैसे प्रिंट करवाया है कि इस फंक्शन की मदद से, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे देखें, हमने जस्ट सिंपल तरीके से गेट लाइन फंक्शन यूज़ करके एक कंप्लीट लाइन को आप स्क्रीन पे प्रिंट करवा सकते हैं, ठीक है। और सी एन फंक्शन में ये नहीं होता, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को इसका नॉलेज नहीं होता, ठीक है। तो ये काम हमारा हो गया। अब हमारे पास जो दूसरा प्रोग्राम है, ठीक है, सर्च सब स्ट्रिंग इन स्ट्रिंग। मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब हुआ। मैं एक ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि मैं यूज़र से पहले बोलूँगा भाई एंटर योर नेम या एंटर एनी नेम, कुछ भी डाल दो, ठीक है। उसके बाद मैं डालूँगा, यूज़र से बोलूँगा एंटर योर करेक्टर, मतलब मेरा मतलब ये है कि एक स्ट्रिंग जब यूज़र डालेगा उस स्ट्रिंग के अंदर मैं एक करेक्टर चेक करूँगा कि उसके अंदर ये करेक्टर है या नहीं है, तो मैसेज मुझे शो करवा दो, ठीक है। कंट्रोल एन करके न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, मैं आपको अभी बता भी देता हूँ, साथ में गाइडलाइन देता हूँ। एक फाइल डाल देते हैं आई स्ट्रीम की, हमारे बेसिक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये डालना ही होता है हर प्रोग्राम में, ठीक है। उसके बाद इस फंक्शन को यहाँ पे आते हैं। अब देखें मैं यहाँ पे जो इस फंक्शन को इसको क्रिएट करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मेरा मतलब क्या है बताने का, मेरा मतलब ये है कि मैं एक स्ट्रिंग होगी मेरे पास, यूज़र से स्ट्रिंग लूँगा, एक नाम लूँगा, ठीक है, और यूज़र से फिर एक करेक्टर भी लूँगा। उस करेक्टर में मैं क्या करूँगा, मैं चेक करूँगा यार ये वाला करेक्टर इस स्ट्रिंग के अंदर एग्जिस्ट है या नहीं है, ठीक है। तो इससे आपका लॉजिक बिल्ड हो सकता है, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़र से कह रहा हूँ कि एंटर योर या एंटर योर नेम या एंटर एनी नेम, कुछ भी आप अपने मुताबिक प्रोग्राम बना सकते हैं, ठीक है, जो भी आप इन्फॉर्मेशन जैसे भी आप बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद सेम फंक्शन यूज़ करके मैं यहाँ से चले यूज़र से ले लेता हूँ नेम, ठीक है, या फिर आपको मैंने बताया था गेट लाइन फंक्शन भी आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। गेट लाइन फंक्शन यूज़ किया, उसके बाद आपने नेम, जो नेम आएगा वो गेट लाइन फंक्शन के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से मैसेज शो कराऊंगा स्क्रीन पे, मैं यूज़र से बोलूँगा एंटर योर करेक्टर, ठीक है, कि आप अपना क्या करो करेक्टर डाल दो, ठीक है। अब यूज़र क्या करेगा, करेक्टर डाल देगा, ठीक है। मैं करेक्टर के लिए सी एन फंक्शन यूज़ करके यहाँ पे करेक्टर ले लूँगा। मेरा मतलब ये बताने का, जब ये मैसेज स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है, तो यूज़र एक नाम डालेगा, ठीक है, वो नाम स्टोर हो जाएगा नेम के अंदर। उसके बाद हमारे पास एंटर योर करेक्टर एक ये मैसेज शो होगा, यूज़र एक करेक्टर डालेगा, ठीक है। लेट से मैंने नाम लिखा नेम, अब यहाँ पे यूज़र डालता है करेक्टर एन, तो नेम में एन आ रहा है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसको प्रिंट करवाएगा, ठीक है, ये अवेलेबल है, ठीक है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मैं यहाँ पे जस्ट एक हमारे पास एक फंक्शन होता है, देखिए मैं लिखता हूँ जो मेरे पास नेम है, मैं लिखता हूँ नेम डॉट फाइंड, ये फाइंड एक हमारे पास सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन है जो फाइंड करता है, ठीक है। इसके अंदर देखो नेम डॉट फाइंड, यार इस नेम के अंदर जो आपने स्ट्रिंग ली है उसको डॉट फाइंड, ठीक है, डॉट फाइंड आपने लिखना होगा, ठीक है, डॉट फाइंड, फाइंड करो क्या भाई, इसके अंदर मैं डालता हूँ इनपुट, जो इनपुट आ रही है इसको चेक करो, ठीक है, इसको चेक करो और इसको साथ में एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो, मैं वेरिएबल का नाम भी स्टोर रखूँगा, ठीक है, कि भाई जो भी करेक्टर आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, नेम डॉट फाइंड, नेम के अंदर जो भी फाइंड करेगा जो इस इनपुट आ रही है, ठीक है, मतलब इसके अंदर नाम मैंने जैसे खान लिखा है तो यहाँ पे देखें इनपुट आ रहा है, तो इनपुट में अगर बंदे ने ए लिखा है जो भी वो इससे मैच होगा, ठीक है, अगर है तो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, ठीक है, सॉरी स्टोर के अंदर यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे इफ़ की कंडीशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ इफ़ स्टोर, जो मेरे पास स्टोर है, अगर ये नॉट इक्वल टू है माइनस वन के, मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको गाइडलाइन कंप्लीट देता हूँ कि माइनस वन क्यों लिखा है, इसका क्या मतलब है। मैं यहाँ पे मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, देखो मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर इसके अंदर चेक करो, अगर है तो इसके अंदर स्टोर कर दो, अगर उसने लेट से मैंने हान लिखा तो इसके अंदर देखा उसने करेक्टर लिखा के, तो हान के अंदर के अवेलेबल है, तो यहाँ पे आएगा के इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन है, तो इसका मतलब है यस होगा, ठीक है, यस होगा। और उसके बाद इल्ज होगा, इल्ज में क्या होगा, इल्ज में हम बता देंगे कि भाई ये यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूंगा, जस्ट सिंपल मैं मैसेज लिख लेता हूँ नो, ठीक है, और मैं आपको ये माइनस वन का बताता हूँ, गाइडलाइन देता हूँ कि इसका क्या मतलब है। पहले मैं इस फाइल को सेव कर देता हूँ, ठीक है, मैं स्ट्रिंग टू डॉट सी पी पी लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद मैं इसको एफ एलेवन से कंपाइल करता हूँ, यहाँ पे सॉरी मैंने यहाँ पे जो है ना डबल लेस देन रूल दिया, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इको लिखा है, आई थिंक मैं पी एच पी की तरफ चला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अब कंपाइल करते हैं, ठीक है, तो कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे देखें एंटर योर नेम, लेट से मैं नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, जैसे लेट से अब्बास, ठीक है, एंटर प्रेस किया, उसके बाद यहाँ पे मैं बी डालता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे कहते हैं बी अवेलेबल है, यस है, ठीक है। उसके बाद मैं एफ एलेवन करके यहाँ पे दोबारा इसको कंपाइल करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ अब्बास,
और मैं यहाँ पे Z लिख लेता हूँ तो नो, क्योंकि Z आवास में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये कैसे वर्क करें मैं बताता हूँ आपको। देखें, अगर मैं यहाँ पे सी आउट करके यहाँ पे मैं अगर इस स्टोर को प्रिंट करवा तो मैं आपको बताता हूँ क्या मतलब हुआ मेरा। देखें, मैं यहाँ पे इस स्टोर को प्रिंट करवा रहा हूँ जो स्टोर है, ठीक है। देखें अब क्या होता है, मैं यहाँ पे नाम डालता हूँ ना, जैसे लिखा नहीं, और मैंने यहाँ पे लिखा लेट से वाई, वाई तो नेम के अंदर नहीं है ना। देखें, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो ये मुझे आंसर क्या दे रहे हैं, देखें वो तो चलो ये नो तो वो चल गई ये स्टेटमेंट, लेकिन जो इसने ये स्टोर जो मैंने शो करवाया है ना, उसने यहाँ पर माइनस वन दिए। तो इसका मतलब ये है कि जब ये चेक करता है ना, इसके अंदर अगर ये स्ट्रिंग एग्जिस्ट होती है, अवेलेबल होती है, इससे लिंक चेक करते हैं अगर है तो उसको यहाँ पे स्टोर कर देते हैं। अगर नहीं है फ़र्ज़ करें, ठीक है, अगर नहीं है तो वो माइनस वन रिटर्न करवाता है। तो इसी वजह से मैंने कहा कि यार चेक करो, अगर स्टोर नॉट इक्वल टू माइनस वन है तो इसका मतलब फिर होगी, ठीक है। तो इस तरह से ये प्रोग्राम यहाँ पे काम करता है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। इसकी उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रोग्राम है, हमारे पास यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेटिक विद ASCII। मैंने असल में करना ये है कि अल्फ़ाबेटिक जो हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर नंबर है मेरे पास, उनको मैंने ना ASCII टेबल जो होता है हमारे पास ASCII, क्योंकि आपको पता है नंबर जो है 0 से 9 तक होते हैं, ठीक है। अल्फ़ाबेटिक आपके पास ABC होती है, लेकिन जब आप कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर तो बाइनरी स्टोर करता है, तो हमारे पास कंप्यूटर फिर ए से क्या स्टोर करेगा। अपने पास असल में एक ASCII टेबल होता है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोर इन्फॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक है, इसकी प्रिवेशन है। तो ये असल में करेक्टर जब आप लिखते हैं, कोई भी ए लिखते हैं तो ए का एक ASCII कोड होता है, ठीक है। आई थिंक कैपिटल ए का जो है 95 है और स्मॉल ए का 64 है या 5 है मेरे ख्याल से, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पास ASCII टेबल होते हैं, तो फिर उसी को वो कंप्यूटर स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये रिप्रेजेंट होते हैं। अब मैं ये करना चाह रहा हूँ कि यार मैं उन नंबर को तमाम ए जितने भी नंबर हैं, ऐसे 255 होते हैं, ठीक है, 255 होते हैं, तो मैं सब क्या करता हूँ, सबका ASCII जो है कोड भी साथ में प्रिंट करवा देता हूँ स्क्रीन पर, ठीक है। मैं इस तरह से एक प्रोग्राम बनाता हूँ। सबसे पहले मैं हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम ये हेडर फाइल डालता हूँ यूजिंग नेम स्पेस STD। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास मेन आएगा, ठीक है। मेन के बाद यहाँ पे हमारे पास रिटर्न 0 आएगा, ठीक है, और यहाँ पे हम काम करते हैं, ठीक है। तो ASCII टेबल के लिए क्या करना है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंट ए इक्वल टू 0। अब मेरे पास एक 0 है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रीन पे प्रिंट कराऊँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे लिखता हूँ ना, देखें मैं लिखता हूँ यहाँ पे करेक्टर्स, मैंने यहाँ पे करेक्टर और ये बैक स्लैश टी डालता हूँ स्पेस के लिए कि थोड़ी सी करेक्टर का आगे लंबी सी स्पेस हो। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखता हूँ ASCII, मतलब मेरा मतलब ये है कि मैं यहाँ पे करेक्टर शो करवाऊंगा जो मेरे करेक्टर हैं सारे, और यहाँ पे उसका ASCII कोड शो करवाऊंगा। लेट से अब करेक्टर ए है ना, तो एक ASCII कोड क्या है, ठीक है, इस तरह से। उसके बाद यहाँ पे मैं एंड लाइन कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं एक वाइल लूप लगाऊंगा, ठीक है, और मैं वाइल लूप में आपको पता है ये बेसिक में पढ़ा चुका हूँ, ए इज़ लेस देन आर इक्वल टू 255। अगर 255 से ए छोटा, ए की वैल्यू 0 है, मतलब 0 इज़ लेस देन 255, तो ए को प्लस करते जाओ कहाँ तक भाई, ए 255 तक। क्यों? क्योंकि ये कंडीशन जब तक फाल्स नहीं होगी तो ये चलती जाएगी, ठीक है। मतलब ए 0 है ना, तो 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से देखें, ए 0 इज़ लेस देन 255 तो ये चलेगा, 1 इज़ लेस देन 255 तो चलेगा, ठीक है। इस तरह करते करते 255 तक, अगर यहाँ पे देखें ऐसे आता है तो 256 इज़ लेस देन 255, तो ये नहीं, यहाँ पे कंडीशन फाल्स हो जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जस्ट मैं प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूँगा कि भाई जैसे फ़र्ज़ करें आप करेक्टर शो करवाने, तो मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे देखिए मैं करेक्टर लिखता हूँ, ये करेक्टर ये ए, अब ए क्या है देखिए मैं आपको बता दूँ, ए 0 है ना, 255 तक ये 1, 2, 3 सो ऑन, इस तरह से करते करते ये स्टोर करता जाएगा, ठीक है। मतलब 1, 2, 3 255 तक जाएगा, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, वो ए के अंदर 1, 2, 3, 4 स्टोर है, मैंने उसका करेक्टर ले लिया, मैंने कहा यार एक करेक्टर फंक्शन है, मैंने क्या कर दिया उसका करेक्टर ले लिया, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 1 है तो 1 का ASCII कोड क्या है, करेक्टर क्या है वो ले लेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं आगे आके इसको भी ए को भी प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको अभी गाइडलाइन देता हूँ कि क्या मतलब है। इसको पहले सेव करते हैं, मैं यहाँ पे इसका नाम ASCII.cpp रख देता हूँ, ठीक है। इसको कंपाइल करता हूँ मैं, तो कंपाइल करने के बाद आप देखें ये रन होगा, तो यहाँ पे देखें मेरे पास यहाँ पे ये शो हो रहा है, लेकिन मैंने थोड़ी सी यहाँ पे ASCII शो नहीं हो रहा ASCII। अब मैं चेक करता हूँ ASCII टेबल क्यों नहीं शो हो रहा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैंने जस्ट यहाँ पे ये लिखा करेक्टर, अभी इसका करेक्टर शो करवाएगा और यहाँ पे 1, 2, 3 जो 255 तक है, ठीक है। और यहाँ पे मैं आके थोड़ा सा जो है इसके अंदर थोड़ी सी स्पेस डाल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे बैक स्लैश टी लिख लेता हूँ, ठीक है, थोड़ी सी स्पेस आ जाए। अब इसको कंपाइल करते हैं एंड रन करते हैं, ठीक है। अब चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, ये देखें हमारे पास इस तरह से रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। क्या आ रहा है, यहाँ पे देखें ये करेक्टर हैं और ये ASCII है, ठीक है। ये ASCII बेसिकली ये वाला यहाँ पे नज़र आना चाहिए, थोड़ी सी वो मैंने टैब जो है ज़्यादा प्रेस करनी थी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पे देखें
ए का ASCII कोड क्या है, कैपिटल ए का 65 है, ठीक है। मतलब आप जब कीबोर्ड से ए प्रेस करते हैं तो कंप्यूटर अपने पास 65, मतलब वो समझते हैं कि 65 है, ठीक है, वो ASCII कोड को समझते हैं, फिर उसका बाइनरी में कन्वर्ट करके उसे स्टोर करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये ASCII टेबल आपके जो है शो होते हैं, ठीक है। करना क्या होता है, देखें लूप 255 तक चलेगा, जैसे ये ए है ना, ए को तो मैंने प्रिंट करवाया 255 तक चला गया, फिर मैंने उसी ए का करेक्टर ले लिया कि भाई उस ए के जो है उनके करेक्टर दे दो मुझे, मतलब अब ए वन है तो वन का करेक्टर दे दो भाई, ठीक है। ये करेक्टर फंक्शन यूज़ होता है, ठीक है, उसके लिए। तो उम्मीद है इसकी भी आपको समझ आ चुकी होगी, ठीक है। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम है भाई मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम, ठीक है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम का मतलब ये है, अब मैं एक कंप्लीट स्टूडेंट सिस्टम बनाने वाला हूँ, ठीक है। मैं कंट्रोल एन करके एक न्यू फाइल क्रिएट करता हूँ मैं आपको, क्योंकि यहाँ पर अब मैं बनाने वाला हूँ एक कम्प्लीट स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम, ठीक है। स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम में हमारे पास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड हम डाल सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट का रिकॉर्ड को सर्च कर सकते हैं और स्टूडेंट के रिकॉर्ड को व्यू कर सकते हैं, ठीक है। ये कंप्लीट हमारे पास एक प्रोग्राम होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ऐसा करते हैं कि यहाँ पे टॉप में आते हैं, यहाँ पे इसके बाहर, क्योंकि फंक्शन पर काम होगा थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा फंक्शन पर काम होगा। तो यहाँ पर देखें हमारे पास सबसे पहले हमने ऐसा करना है कि उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर टॉप में कुछ वेरिएबल क्रिएट करूँगा। लेट्स से मैंने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें स्टूडेंट को ऐड करना है, उसके डाटा को व्यू करना है और उसको सर्च करना है कि यार ये स्टूडेंट अवेलेबल है या नहीं है, ठीक है। एक मेन्यू ड्रिवन होगा, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे वेरिएबल चाहिए होंगे, तो यूज़र से क्या क्या लेना है मैंने। लेट्स से मैं कहता हूँ यार यूज़र से मैंने लेना है उसका रोल नंबर, ठीक है। उसके बाद एक स्ट्रिंग लेके उसका नाम लेना है, ठीक है। उसके बाद फ्लोट जी पी ए ले लेना है, ठीक है, कि स्टूडेंट का जी पी ए कितना है, ठीक है। ये मैंने तीन वेरिएबल लिए हैं, ये यूज़र से मैंने लेने हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, वाइड लिखता हूँ। वाइड लिखते होते अक्सर फंक्शन में जो रिटर्न नहीं करवाते, ठीक है, मैं आपको आगे गाइडलाइन कर दूँगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एक फंक्शन का नाम है ऐड, ऐड नाम, असल में ये फंक्शन का नाम मैंने ऐड रखा हुआ है, ठीक है। आप वाइड के बाद जो फंक्शन क्रिएट करते हैं आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है, इंसर्ट भी दे सकते हैं, कुछ भी। मैंने ऐड लिखा है, ऐड का मतलब है कि मैं स्टूडेंट का रिकॉर्ड डालूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट से मुझे रिकॉर्ड लेने हैं, ऐड का मतलब है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड डाले आप, ठीक है। मैं सिक्योर करवा के सबसे पहले यूज़र से बोल दूँगा एंटर योर रोल नंबर, अपना रोल नंबर डालो, ठीक है। तो यूज़र क्या करेगा, रोल नंबर डाल देगा। मैं सीन फंक्शन की मदद से रोल नंबर को लेके रोल नंबर के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दूँगा, ठीक है। उसके बाद मैं दोबारा से स्क्रीन पे मैसेज शो करवाऊंगा, यूज़र से बोलूँगा एंटर योर नेम भी डालो, एंटर योर नेम भी डालो जब ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, यूज़र नेम डालेगा, वो नेम भी नेम के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद फिर से मैसेज एंटर योर जी पी ए, ठीक है, यूज़र से बोलेंगे अपना जी पी ए डालो, ठीक है। उसके बाद यूज़र यहाँ पे अपना जी पी ए डाल देगा, वो स्टोर हो जाएगा जी पी ए के अंदर, ठीक है। इतना ही काम था, जब ये फंक्शन रन होगा तो ये सारी चीज़ें यूज़र लेगा, कंसोल आपसे लेगा और साथ में इनमें स्टोर करवाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे जाते हैं, नीचे जाके यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं वॉइड। उस फंक्शन का नाम इस टाइम पे होगा व्यू। व्यू क्यों होगा कि जब उस यूज़र ने रिकॉर्ड डाल दिया वो तो वेरिएबल में स्टोर हो गया, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, उसको प्रिंट करवाना है। तो मैं यहाँ पे सीन की मदद से बता दूंगा कि यूर सॉरी सीआउट की मदद से यूर रोल नंबर इज़ आगे डबल लेस देन उसके बाद वेरिएबल का नाम जिसमें रोल नंबर पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से ये रोल नंबर शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीआउट फिर से करवा दूँगा और यहाँ पर लिख दूँगा यूर नेम इज़ जो आपका नाम है भाई, वो आपका नाम क्या है, नेम वेरिएबल के अंदर पड़ा हुआ है, वो नेम ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सीआउट करवा के उसके बाद मैं यूज़र को बता दूंगा यूर जी पी ए इज़ आपका जी पी ए भी ये है, ठीक है, आपका जी पी ए जो ऊपर से जी पी ए आ रहा है, ठीक है। तो एंड लाइन कर दिया, एंड ऑफ लाइन हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर लाइन ब्रेक हो जाएगी। उसके बाद ये फंक्शन, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये सारी चीज़ें शो होंगी, मतलब योर रोल नंबर इज़ और यहाँ पे से जो रोल नंबर आ रहा है वो शो होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करते हैं, याद रखना ये मेन फंक्शन के ऊपर ही फंक्शन बनाने हैं आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वाइड एक सर्च का फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर लिखता हूँ सर्च, सर्च लिख लेता हूँ, ठीक है। इस फंक्शन का क्या काम होगा, इसका काम ही होगा ये चेक करेगा भाई जो ऊपर मैंने नाम लिखे हुए हैं, ठीक है, जो नाम मैंने डाले हुए हैं। ये फ़र्ज़ करें आप एक स्टूडेंट का रिकॉर्ड चेक करना चाह रहे हैं, ठीक है, मैंने स्टूडेंट का नाम लिखा लेट्स से अब्बास, ठीक है। अब जो आप अगर आप सर्च में क्लिक करेंगे, जब ये मेन्यू ड्रिवन में आप सर्च से मांगेगा, आप जब सर्च पे क्लिक करते हो तो इस नंबर पे क्लिक करो, तीन प्रेस करो तो सर्च के लिए, ठीक है। जब ये सर्च करेगा यूज़र, तो यूज़र अगर वहाँ पर लिखते हैं अब्बास तो अगर ये एग्जिस्ट होगा तो शो करवा देगा कि यार ये अवेलेबल है, ठीक है। इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्ट्रिंग लेंगे, ठीक है। स्ट्रिंग ले के मैं यहाँ पर स्ट्रिंग के बाद यहाँ पे लिखता हूँ सर्च नेम, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, ठीक है, कि यार वो नेम यूज़र से जो है मैं लूँगा, ठीक है। और यहाँ पे मैसेज शो करवा दूँगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगा एंटर यूज़र नेम, कि यार यूज़र नेम का यूज़र का नाम डालो जो आप सर्च करना चाह रहे हो, ठीक है। मैं उस यूज़र नेम को ले लूँगा, ठीक है, और किस में स्टोर करवा दूँगा, सर्च नेम की जो मैंने क्रिएट किए हुए वेरिएबल। फिर यहाँ पर मैं
इफ कंडीशन लगाऊंगा, मैं बोलूंगा यार इफ जो सर्च नेम है, जो यूजर ने लिखा था और सर्च के अंदर जो स्टोर हो चुका है, ये चेक करो डॉट कंपेयर। कंपेयर हमारे पास एक फंक्शन है, ठीक है, कंपेयर हमारे पास एक फंक्शन है जो कंपेयर करता है, ठीक है, किसको? अब यहाँ पे यूज़र जो नाम आ रहा है ऊपर से, जो ये नेम है, इसको कंपेयर करेगा, जो हमारे पास नेम है कंपेयर करेगा, अगर ये है इक्वल इक्वल टू जीरो डाल देता हूँ। इक्वल इक्वल टू जीरो मैंने क्यों डाले, मैं आपको बताता हूँ। देखें यहाँ पे सर्च फंक्शन ये क्या करेगा, ये अगर लेट से आप सर्च करना चाह रहे हैं, लेट से अली, ठीक है, अब क्या है अली तीन करेक्टर्स में आते हैं ए एल आई, और यहाँ पे कंपेयर होगा किस नेम के साथ, वो नाम अगर वहाँ पे लेट से आप जब ऐड कर रहे थे डेटा तो आपने अली लिखा हुआ है, तो ये क्या करेगा, देखें कंपेयर करेगा उसको अली के ए को देखेगा इस नेम के पहले करेक्टर के साथ, ठीक है। लेट से आपने अली लिखा और यहाँ पे यूज़र ने भी अली लिखा सर्च करना चाह रहे हैं, तो पहले करेक्टर के साथ मैच होगा, चेक करेगा हाँ ठीक है कंपेयर है, दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, ठीक है। अगर कंपेयर हो गए तीनों, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या होगा, इक्वल इक्वल टू जीरो के बराबर हो जाएगा, मतलब सारे कंपेयर हैं तो जीरो आ गया। अगर लेट से कंपेयर नहीं होता, लेट से आप एक चेक करते भाई अली और दूसरे साइड पे चल ए एल लिखा हुआ है लेट से, या ए एल जेड लिखा हुआ है, ए तो ए से कंपेयर होगा एल एल से, लेकिन जो अली आई आ रहा है लास्ट में वो जेड से कंपेयर होगा, देखेगा यार ये तो कंपेयर नहीं हो रहे, वो क्या करेगा भाई एक कंपेयर नहीं हो रहा बोलेगा, तो इक्वल इक्वल टू मैंने जीरो लिखा है ना, मैंने कहा अगर मतलब जीरो के बराबर है इसका मतलब है सारे कंपेयर हैं, अगर नहीं है तो वन रिटर्न करवा देगा, अगर है तो जीरो, तो अगर जीरो है तो फिर यहाँ पे मैसेज शो करवा दो, ठीक है। मैसेज क्या शो करवा दो, यहाँ पे जस्ट ये बता दो कि यूज़र नेम इज़ अवेलेबल, ठीक है, यूज़र नेम यहाँ पे क्या है अवेलेबल है, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पे इज़ लगा दो, यहाँ पे बता दो इसे यूज़र नेम इज़ नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो जाहिर सी बात है फिर हमारी दूसरी कंडीशन चलेगी, इज़ वाली चलेगी, तो इस तरह से ये प्रोग्राम काम करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मेन फंक्शन में जाते हैं, ठीक है, मेन फंक्शन है। अब मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम मेरा बताने का मतलब ये था कि मैं जब यूज़र से डेटा लूँगा ना, जब यूज़र अपना डेटा सारा डाल देगा, उसको व्यू भी करेगा, सर्च भी करेगा, ठीक है, उसके बाद मैं दोबारा यूज़र से बोलूँगा कि भाई डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस, आप इस प्रोग्राम को दोबारा अगर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं तो वाई प्रेस करें, वाई मतलब यस के लिए, ठीक है, अगर नहीं करना चाह रहे हैं तो बस एंटर प्रेस कर दें, प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मेन्यू ड्रिवन में ये होगा कि आप यूज़र से बार बार उससे पूछेगा, ठीक है, कि आप दोबारा से डेटा सर्च करना चाह रहे हो, दोबारा से डेटा रीड करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, या सिंपल मैं आपको बता देता हूँ, जस्ट सिंपल यहाँ पे मैं स्विच स्टेटमेंट यूज़ करूँगा, जो कि पिछली वीडियो में मैं अपनी बता चुका हूँ, ठीक है, इस कंप्लीट सीरीज़ में बेसिक वीडियो में कि स्विच स्टेटमेंट कैसे वर्क करती है, उसमें मैंने एक कंप्लीट कैलकुलेटर भी बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको वॉच कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें मैं डू व्हाइल लूप यूज़ करूँगा, डू व्हाइल लूप क्यों यूज़ करते हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। देखें सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लूँगा स्टूडेंट्स रिकॉर्ड सिस्टम, ये एक मैसेज स्क्रीन पे शो होगा, ठीक है, कि ये यार ये मैसेज शो है, ये स्टूडेंट का रिकॉर्ड सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैसेज प्रिंट करवाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेस वन टू ऐड स्टूडेंट, अगर आप देखो जब ये प्रोग्राम स्क्रीन पे शो होगा ना, बोलेगा वन प्रेस करो स्टूडेंट के डेटा को डालने के लिए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा प्रेस टू प्रेस करो टू व्यू स्टूडेंट्स, ठीक है, कि आप स्टूडेंट्स को व्यू कर सको, ठीक है, उस स्टूडेंट्स को देख सको जो आपने डाटा डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं फिर से मैसेज शो करवा दूंगा प्रेस थ्री टू सर्च स्टूडेंट, जो मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, ठीक है। तो क्या करें, जब तीन प्रेस होगा तो स्टूडेंट का जो है फिर ये वाला फंक्शन चलेगा, ठीक है, तीन प्रेस होगा तो ये थ्री वाला फंक्शन चलेगा, मैं आपको बताऊँगा ये कैसे चलता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं फोर्थ में बता दूंगा कि प्रेस फोर टू एग्जिट द प्रोग्राम, अगर फोर प्रेस करो तो प्रोग्राम क्लोज हो जाए, ठीक है। तो ये कैसे होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट में एक मैं मैसेज शो करवाऊंगा, देखें मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर योर चॉइस, अब आप चॉइस डालो भाई, चॉइस का मतलब ये है कि आप प्रोग्राम को कंटिन्यू करना चाह रहे हो नहीं करना चाह रहे हो, ठीक है, वो चॉइस मैं ले लूँगा और यहाँ पे सी एच एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दूँगा, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे सी एच एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगा, ठीक है। जब डिक्लेयर कर दूँगा तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये सारे प्रोग्राम चलेंगे, ठीक है, उसके बाद ये मैसेज होगा, मैं नीचे बताता हूँ क्या होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे व्हाइल लूप लगाता हूँ, ठीक है, जब मैं यहाँ पे व्हाइल लूप लगाऊंगा तो व्हाइल लूप में यहाँ पे मैं क्या करूँगा, देखिए आप व्हाइल लूप में मैं यहाँ पे बेसिकली ये करूँगा, यहाँ पे बेसिकली मैं क्या करूँगा चेक करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो ऐसा करते हैं,
वाइल को नहीं लिखते, ठीक है। वाइल से पहले आके यहाँ पे चेक करते हैं, स्विच लगाते हैं, स्विच एक स्टेटमेंट है हमारे पास, ठीक है। स्विच स्टेटमेंट यूज़ होती है, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए, ठीक है। इफ़ स्टेटमेंट, अगर आपसे कोई पूछे इफ और एल्स में, इफ और स्विच में क्या फ़र्क है, तो अब वन या टू कंडीशन फाइंड करने के लिए आप इफ यूज़ करते हैं और मल्टीपल कंडीशन को चेक करने के लिए आप स्विच यूज़ करते हैं। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, देखें यहाँ पर जो ये यूज़र डालेगा, ठीक है, यहाँ पर जो यूज़र, लेट्स से यूज़र अगर वन प्रेस करता है, ठीक है, तो यहाँ पे जब यूज़र वन प्रेस करता है तो मैं यूज़र से बेसिकली लूँगा उससे यहाँ पे जो है ना, सॉरी, यहाँ पे मैं एंटर योर चॉइस, तो चॉइस में मैं यहाँ पे एक चॉइस वेरिएबल चॉइस ही लिख लेता हूँ, ठीक है, कि यार आपकी चॉइस क्या है, ठीक है। देखें ये सबसे पहले स्क्रीन पे शो होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखो एंटर योर चॉइस, आप चॉइस प्रेस करोगे, ठीक है। मतलब देखो यहाँ पे सबसे पहले जब शो होगा ये वाला मैसेज, आप चॉइस में से देखो, आप अगर लेट से स्कूल कार्ड डालना चाह रहे हो यहाँ पे लिखा हो ना प्रेस वन, आप वन प्रेस करोगे तो वन कहाँ पे जाएगा, ठीक है, वो वन यहाँ पे, बेसिकली वन यहाँ पे आ गया, ठीक है। मतलब ये इंटर योर चॉइस में ये वन यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट चेक करूँगा, यार ये वाला चॉइस जो यूज़र ने डाला हुआ है इसको चेक करो भाई, ये किससे मैच हो रहा है, यहाँ पे कैसेस होते हैं ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगर यूज़र वन प्रेस करता है, मतलब अगर आपने यूज़र ने वन प्रेस कर दी, तो ये वाला वन, वन के लिए क्या है, ऐड स्टूडेंट है ना, तो मेरे पास जो ऐड वाला फंक्शन है यहाँ पे, ये ऐड वाला, तो ये कॉल हो जाए, क्यों, जब ये कॉल होगा तो ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज़र से ले लेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन को जस्ट लिखूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं ब्रेक लगाऊंगा, ब्रेक क्यों लगाते हैं ये मैं बता चुका हूँ मेरी पिछली वीडियो में, ठीक है। उसके बाद टू, केस टू होगा, केस टू में क्या होगा, केस टू में जब टू प्रेस करते हैं तो मैं रिकॉर्ड को व्यू करूँगा, ये फंक्शन मैं ऊपर बना चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। उसके बाद केस थ्री होगा, थ्री के लिए मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं जब थ्री प्रेस करें तो यूज़र सर्च करें, तो सर्च के लिए जो फंक्शन मैंने बनाया वो सर्च वाला यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है। केसेस को चेक करेगा, यार ये चॉइस को चेक करेगा, अगर यहाँ पे यूज़र वन या टू जो भी डालते हैं वो यहाँ पे चेक होगी यार केसेस में, अगर यहाँ पे टू डालते हैं तो टू वाली चेक होगी, तो ये वाला टू वाला व्यू वाला कर दे, क्योंकि यहाँ पे टू, देखो प्रेस टू टू व्यू स्टूडेंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टूडेंट्स को डेटा चेक करो, ठीक है, व्यू कर दो। उसके बाद फोर के लिए जब फोर डालेगा तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, फोर में यहाँ पर मैंने क्या किया होगा, देखें अगर स्टूडेंट फोर प्रेस करते हैं तो प्रोग्राम को एग्जिट कर दो, तो यहाँ पे C++ लैंग्वेज के अंदर हमारे पास एग्जिट फंक्शन है, इसके अंदर जीरो पास करो तो ये इसको क्लोज कर देगा, और ये वाला फंक्शन कौन सी लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है, ये आई स्ट्रीम के अंदर नहीं है, इसके बाद इसके लिए हमें यहाँ पे इंक्लूड करनी पड़ेगी STD lab, ठीक है, STD lab वाली हमारे पास एक लाइब्रेरी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा STD lab, ये वाली फाइल के अंदर ये वाला फंक्शन एग्जिस्ट है, ठीक है। मैं पहले इसको सेव कर देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ स्टूडेंट record.cpp, ठीक है, इस फाइल का नाम। अब यहाँ पे देखें ये तमाम ये काम करेगा, उसके बाद हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, केस फाइव, ठीक है, केस आई थिंक फाइव नहीं करते, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट लिख लेते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से यूज़र कुछ अपने मर्जी से कुछ लिख लेते हैं, ठीक है, तो उसे फिर ये वाला मैसेज होगा, ठीक है, मतलब यूज़र कुछ भी अपनी मर्जी से कुछ भी लिख लेता है, इनके अलावा जो चॉइसेस हैं, लेट्स से फाइव लिखते हैं, फाइव लिख नहीं है तो फिर ये इनवैलिड वाला मैसेज होगा, ठीक है। इनवैलिड इनपुट मैं यहाँ पर लिखूँगा, ठीक है, और यहाँ पर मैं इनलाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें ये हमारी डू वाइल लूप जो है यहाँ पे जी वाली, ये कहाँ पे क्लोज हो रही है, यहाँ पे क्लोज हो रही है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा वाइल, ठीक है, और मैं चेक करूँगा यहाँ पे क्या चेक करूँगा, ठीक है। देखो जब आपके सामने मैं यहाँ पे इसके बाद जब ये सारा प्रोग्राम चल जाएगा, इसके नीचे मैं आके यहाँ पे एक मैसेज शो करवाऊँगा, मतलब ये सारी चीज़ें चलेंगी, स्विच चलेगी, ख़त्म भाई, जब यूज़र अपनी चीज़ें डाल देगा उसके बाद एक मैसेज शो होगा, मैसेज क्या शो होगा, यहाँ पे लिखोगा डू यू वांट टू कंटिन्यू, ठीक है, कि आप इसे कंटिन्यू करना चाह रहे हो, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या कर दूँगा, यूज़र से ले लूँगा, ठीक है। कंटिन्यू करने के लिए यूज़र जो भी करेक्टर डालता है, ठीक है, जो भी लिखता है, मैं एक इधर वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ CH के नाम से, ठीक है, क्यों, क्योंकि मैं यूज़र जो भी डालेगा ना वो इसके अंदर चेक हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और मैं वाइल में जाके यहाँ पे चेक करूँगा, वो वाइल अगर इक्वल टू है कैपिटल वाई के, या ठीक है ये या हम यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर CH इक्वल टू है स्मॉल वाई के, तो आप इस प्रोग्राम को दोबारा से, क्योंकि जाहिर सी बात डू पहले होता है, मतलब पहले ये काम देखें, वाइल और फॉर लूप में ये होता है कि कंडीशन पहले चेक होती है, आउटपुट बाद में मिलता है, डू वाइल में ये कि पहले आपका प्रोग्राम ये चल जाएगा, कंडीशन बाद में चेक होगी, ठीक है। मतलब जब ये प्रोग्राम चलेगा, सारे काम होंगे, उसके बाद ये मैसेज भी शो होगा स्क्रीन पे, तो यूज़र से बोलेगा भाई, जैसे फॉर एग्जांपल यूज़र ने टू डाला तो डाटा को उसने व्यू कर दिया, जब व्यू कर दिया उसके बाद क्या होगा, उसके बाद तो फिर ये वाला मैसेज होगा ना, क्योंकि ये तो स्विच में यहाँ पर इतना काम है कि जो भी ये तो स्विच यहाँ पे इस पे वर्क करेगा ना, इस स्विच को, इस चॉइस को देखेगा, अगर आपने जो भी चॉइस प्रेस की उसके मुताबिक ये चल जाएगा फंक्शन, जो भी स्विच के यहाँ पे कैसे, ठीक है।
उसके बाद ये मैसेज शो होगा स्क्रीन पे, जब ये शो होगा तो डू यू वांट टू कंटिन्यू, जब कंटिन्यू करना चाह रहे तो वो करेक्टर ले रहे हो, यूजर जो भी डालते हैं ठीक है। अगर उसने 5, 7, 8 डाल दी तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम तो क्लोज हो जाएगा। लेकिन अगर आपने उसने यहाँ पे लिखा है एक मिनट डू यू वांट टू कंटिन्यू, या यहाँ पे मैं लिखते मैं यहाँ पे ऐसे लिख लेता हूँ डू यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस कैपिटल वाई आर स्मॉल वाई, ठीक है कि यार इन दोनों में से प्रेस करो तो आप प्रोग्राम दोबारा से ये कंटिन्यू होगा ठीक है। तो यहाँ पे चेक करूँगा भाई अगर उसने वाई डाला, बाकी वाई डाला हुआ है स्मॉल या कैपिटल में, अगर वो इसके बराबर है जाहिर सी बात है डूब फिर चलेगी, अगर उसके बराबर है डूब फिर चलेगी, इस तरह से ये प्रोग्राम वर्क करेगा ठीक है। तो यहाँ पे ये कंप्लीट प्रोग्राम है ठीक है, अब इसको रन करते हैं ठीक है, F11 कर देता हूँ, चेक करते हैं यहाँ पे हमारे पास एरर तो नहीं है ठीक है। तो आई थिंक हमारे पास एक एरर आया, तो बेसिकली एरर क्या है डॉट एच आपने लिखना है ठीक है, हेडर फाइल है, लास्ट टाइम कुछ फाइलें एक्सेप्ट होती हैं डॉट एच लिखना, डॉट एच लिखना पड़ता है, किसी में नहीं लिखना पड़ता ठीक है, ज़्यादातर सी लैंग्वेज की फाइल को डॉट एच लिखना पड़ता है, सी प्लस प्लस में नहीं लिखना पड़ता ठीक है। यहाँ पे देखें स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम भी शो हो रहा है, और यहाँ पे देखें ये सारी चीज़ें शो हो रही हैं, और उसके देखें मज़े की बात में यहाँ पे एंटर योर चॉइस वाला मैसेज भी शो हो रहा है ठीक है। कैसे शो हो रहा है देखें, जब क्योंकि आपको पता होना चाहिए भाई जब सी प्लस प्लस का प्रोग्राम रन होता है तो वो मेन फंक्शन को रन करता है ठीक है, यूपर वाले जो इनको तो कॉल किए ये रन नहीं होते, मेन जहाँ पे लिखोगे ये मेन फंक्शन रन होता है। सबसे पहले देखिए उसने ये सारे मैसेज शो करवा दिए और साथ में ये भी शो करवा दिए चॉइस, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रोग्राम में सेव किया हुआ है तो ये सारी चीज़ें शो करवा दी। अब मैंने यूज़र से कहा कि भाई देखें एंटर योर चॉइस, अब चॉइस में अगर यूज़र वन डालते हैं इसका मतलब वन वाला काम करेगा, एट रिकॉर्ड वाला काम करेगा ठीक है। तो क्या होगा जब वन डालते हैं, मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे देखें एंटर योर रोल नंबर, इसका मतलब वन वाला फंक्शन चल गया, रोल नंबर में टू डालता हूँ, एंटर योर नेम मैंने नाम डाल दिया, एंटर योर जीपीए मैं 4.0 डाल देता हूँ ठीक है। उसके बाद देखा मैंने एंटर प्रेस किए, मैंने एंटर प्रेस किए, जब मैंने एंटर प्रेस किया यहाँ पे देखें डू यू वांट टू कंटिन्यू प्रेस वाई स्मॉल वाई, क्यों देखें जब ये चेक हो गया, यहाँ पे चेक हुआ मैंने यहाँ पे वन डाला था ना तो वन चेक हो गया, यहाँ पे वन केस चल गया, चल गया। उसके बाद ये स्विच स्टेटमेंट है ना ये तो एक दफ़ा चलेगी ठीक है, क्योंकि इसमें से जो भी मैच होगा वो चल जाएगा। उसके बाद देखें फ़ौरन ये मैसेज शो हुआ, तो अब यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए मैंने मैसेज शो करवा दिया, अब देखें जो भी करेक्टर डालेगा अगर करेक्टर से मैच होगा तो ये फिर दोबारा से वही वाला काम फिर दोबारा से हो जाएगा ठीक है, दोबारा से फंक्शन रन हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाई, एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे आई थिंक उसने मुझे एरर दे दिया ठीक है, मैं चेक करता हूँ एरर मुझे क्यों दिए ठीक है। तो बेसिकली एरर मुझे इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पे देखें मैंने यूज़र से करेक्टर लेना है ना, तो मैंने यहाँ पे एंट लिख लिया ठीक है, मुझे करेक्टर लेना था लिखना था क्योंकि यूज़र से करेक्टर लो, क्या लो करेक्टर, क्योंकि वाई तो करेक्टर है ना, इस प्रोग्राम को दोबारा रन करते हैं ठीक है। रन करने के बाद यहाँ पे अब मैं डालता हूँ भाई, लेट से वन डाला, रिकॉर्ड डाला, रोल नंबर डाला 4, नाम डाला ठीक है, जीपीए डाला 4.0, इंटर प्रेस किया, कंटिन्यू वाई प्रेस किया, देखो दोबारा से वो चीज़ दोबारा रन होगी। टू प्रेस किया तो यहाँ पे देखें जब टू किस के व्यू स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड के लिए, यहाँ पे देखें योर रोल नंबर इज 4, योर नेम इज नेम, योर जीपीए इज 4, यहाँ पे देखें ये श्योर है ठीक है। और मज़े की बात ये यहाँ पे देखें इंटीजर जीपीए मैंने 4.0 लिखा, यहाँ पे 4 क्यों शो हो रहा है क्योंकि मैंने इंटीजर लिया हुआ है, तो आपको पता है अगर आप फ्लोट ले रहे हैं तो फ्लोट डॉट पॉइंट 0.0 शो करवाएगा। उसके बाद यहाँ पे देखें डू यू वांट टू कंटिन्यू, दोबारा से कंटिन्यू करना चाह रहे हैं, मैं इस दफ़ा 3 प्रेस करता हूँ, क्या प्रेस करना चाह रहा हूँ 3 ठीक है, मैं 3 प्रेस करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे जब मैंने 3 प्रेस किए तो यहाँ पे फिर एक मेरे पास एरर आ रहा है प्रेस 3 टू सर्च रिकॉर्ड ठीक है, चेक करते हैं कि 3 वाला काम क्यों नहीं कर रहा ठीक है। तो 3 वाला फंक्शन हमारे पास यहाँ पे ये 3 वाला फंक्शन है सर्च ठीक है, तो मैं इसको चेक करता हूँ। अच्छा अब यहाँ पे प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं और चेक करते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई मिस्टेक नहीं है ठीक है, जस्ट वो दोबारा से मैंने कंपाइल किया तो प्रोग्राम रन हो गया ठीक है। वन डालता हूँ, यहाँ पे रोल नंबर 3 डाला, नेम डाल दिया ठीक है, जीपीए डाला ठीक है, एंटर प्रेस किया, कंटिन्यू यस। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 डाला तो यहाँ पे देखें एंटर नेम, अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ जो सर्च मुझे करना है ठीक है, मैंने अभी नेम डाला है यहाँ पे ऊपर खान ठीक है, मैं देखो प्रेस करता हूँ यहाँ पे देखें खान, मैंने यूँ ही लिखा एंटर यूज़र नेम के सर्च के लिए ठीक है खान, तो कहते हैं यूज़र नेम इज़ अवेलेबल क्योंकि मैंने खान डाला था तो अवेलेबल है ठीक है। उसके बाद कंटिन्यू मैं कहता हूँ यस, उसके बाद मैं 4 प्रेस करता हूँ एंटर, तो देखें प्रोग्राम क्लोज हो गया ठीक है, क्योंकि 4 एग्जिट के लिए मैंने कहा था ये हमने बनाया था ठीक है, यहाँ पे जो हमारे पास स्विच स्टेटमेंट में 4 चलेगा तो एग्जिट कर देगा प्रोग्राम को ठीक है, प्रेस यानी कि मतलब अगर प्रेस 4 के लिए आप करेंगे ठीक है, अगर आप 4 प्रेस करेंगे तो इस तरह से ये कम्प्लीट प्रोग्राम वर्क करेगा ठीक है। तो इसमें देखें स्टूडेंट से डेटा ले रहे हैं, उसको व्यू भी कर रहे हैं और सर्च भी कर रहे हैं ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हमने स्विच स्टेटमेंट की मदद से डू वाइल लूप लगाई है ठीक है, प्रोग्राम को दोबारा रन करवाने के लिए स्विच स्टेटमेंट यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट यूज़ करके डिफरेंट अपने मेथड को यहाँ पे शो करवाए, फंक्शन को मेथड्स भी कहते हैं ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये कम्प्लीट हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है ठीक है, और इस प्रोग्राम ने हमें कम्प्लीट आउटपुट दे दिया ठीक है। तो ये एक स्कूल सिस्टम था, स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम था बेसिकली कि ये कैसे वर्क करते हैं ठीक है। उसके बाद मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं भाई वर्किंग विद फंक्शंस, फंक्शन पे काम कैसे होता है ठीक है।
तो फंक्शन पे काम कैसे होता है भाई, अब यहाँ पे रिटर्न एंड वॉइड क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। कंट्रोल एन करते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम की फाइल डाल देता हूँ, ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा भाई मैन लिखा, ठीक है, और यहाँ पे रिटर्न ज़ीरो करवाया, ठीक है, ये आ गया, ठीक है, ये मैं जैसे फंक्शन है, इस तरह से आप खुद का फंक्शन भी बना सकते हो। चले मैं एक फंक्शन यहाँ पे बनाता हूँ, मैं वॉइड लिखता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा भाई सम, ठीक है, मैं आई थिंक आप मैं ऑलरेडी मेरे फंक्शन की वीडियो देख चुके हैं, तो बेसिकली उस वीडियो मैंने जो मेरी एक वीडियो कंप्लीट सी प्लस प्लस में फंक्शन मैंने कंप्लीट बताया हुआ है, ठीक है, तो आप उस फंक्शन को इजीली आप वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं बताऊँगा कि वाइड और रिटर्न में एंड में क्या फ़र्क है। यहाँ पे देखिए मैं पैरामीटराइज एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ठीक है, एंड तो फर्स्ट सेकेंड ये दो नंबर ले लिए मैंने, यहाँ पे एंड रिजल्ट इक्वल टू फर्स्ट प्लस सेकेंड, मैंने ये दो नंबर क्या कर दिए इस रिजल्ट के अंदर स्टोर करवा दिए, ठीक है, और यहीं पे मैंने इसे प्रिंट करवा दिए रिजल्ट को। क्या होगा अब यहाँ पे इस मेन फंक्शन को कॉल करूँगा सम को, फर्स्ट पैरामीटर में 3 और 5 डाल देता हूँ, मतलब 3 जाएगी इस फर्स्ट में, 5 जाएगा सेकंड में, यहाँ पे प्लस होकर रिजल्ट, और रिजल्ट को मैंने प्रिंट करवा दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे इसको पहले सेव करवा देता हूँ, उसके बाद इसको मैं कंपाइल करता हूँ, ठीक है, जब मैं इसे कंपाइल करूँगा स्क्रीन पर आई थिंक 8 यहाँ पे देखें 8 प्रिंट हो रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है जब वाइड यूज़ करते हैं ना, तो वाइड बेसिकली फंक्शन की दो टाइप होती हैं, एक होता है वाइड, एक होता है रिटर्न, तो ये एक बेसिक सॉरी वाइड और एंट होती है, ये रिटर्न टाइप होती है। रिटर्न टाइप का मतलब ये कि वाइड में हम किसी चीज़ को रिटर्न नहीं करवाते फंक्शन को, और दूसरे एंट में रिटर्न करवाते हैं। कैसे करवाते हैं मैं बताता हूँ आपको, देखें यहाँ पे मैं सिंपली ऐसे लिखता हूँ ना, जब आप इंट यहाँ पे लिखेंगे, जब आप इंट लिखेंगे तो आपने ज़रूर यहाँ पे रिटर्न लिखना होगा, रिटर्न करवाना होगा। यहाँ पे मैं कहता हूँ फर्स्ट प्लस सेकंड, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि भाई फर्स्ट और सेकंड है उसको प्लस करके रिटर्न करवा दो इस सम वाले फंक्शन को। यहाँ पे देखिए मैंने वो रिजल्ट वाला काम नहीं किया, तो यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, इस सम को जस्ट कॉल करके इसके अंदर वैल्यू पास कर दूंगा, ठीक है, क्या करूँगा वैल्यू पास कर दूंगा, यहाँ पे देखिए रिटर्न हो रही है, मतलब फर्स्ट और सेकंड जो भी प्लस यहाँ से देखा 5 इसमें जा रहा है, 6 इसमें जा रहा है, यहाँ पे ये दोनों आ रहे हैं, ठीक है, 5 और 6 11 होते हैं, 11 रिटर्न हो जाएंगे किसके पास, फंक्शन के पास रिटर्न हो जाएंगे। इसको अगर आप कंपाइल करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे 11 शो करवा देगा, ठीक है, शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं करवाया, क्योंकि हमने यहाँ पे से प्रिंट नहीं करवाया, ठीक है, तो यहाँ पे से प्रिंट करवाना होगा फिर, ठीक है, फंक्शन को नीचे ही प्रिंट करवाना होगा, ठीक है, यहाँ पे तो रिटर्न फंक्शन करवा दिए, ठीक है, यहाँ पे देखें 11 शो हो रहा है, ठीक है, तो इस तरह से ये काम करते हैं भाई, वाइड और इंट कैसे काम करते हैं, ठीक है, उसके बाद परसेंटेज फाइंड करते हैं विद 2 मेथड, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ जस्ट कि देखें परसेंटेज निकालनी है फॉर एग्जांपल आपने यूज़र की, तो परसेंटेज जो सिंपली आप वैसे निकाल सकते हैं, ठीक है, अगर सिंपल आपने परसेंटेज निकालनी है तो आप इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन चले एक और प्रोग्राम बना लेते हैं, मैं आपको रिटर्न टाइप का बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है, मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, मैं क्यूब फाइंड करता हूँ, ठीक है, क्यूब जानते हैं जैसे स्क्वायर होता है ना, उस तरह से हम क्यूब भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, स्क्वायर में क्या होता है कि आप मतलब स्क्वायर लेते हो, मल्टीप्लाई करते हो 2 के साथ, क्यूब लेने तो 3 मतलब मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है, तो क्यूब लेते हैं, क्यूब पे काम करते हैं, देखिए मैं एक फंक्शन क्रिएट करता हूँ, ये रिटर्न वाला, देखें एंड मैंने लिखा ना, एंड के बाद मैंने यहाँ पे लिखा क्यूब, फंक्शन का नाम दे दिया अपनी मर्जी से, ठीक है, और यहाँ पे फर्स्ट पैरामीटर पास कर दिया भाई, फर्स्ट सेकंड मतलब एस से सेकंड और टी से थर्ड आ गया, ठीक है, मतलब 3 वैल्यू मैंने लेने, 3 क्यों लेने, मैंने यहाँ पे क्योंकि क्यूब 3 को 3 मरतबा मल्टीप्लाई करता, तो मैं फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय सेकंड मल्टीप्लाई बाय जो तीसरा वेरिएबल टी से नाम, ये तीनों क्या हो जाएंगे, ये तीनों मतलब जो भी वैल्यू होगी तीनों मल्टीप्लाई रिटर्न होकर क्यूब के पास चली जाएंगी, तो इस तरह से आप रिटर्न को भी यूज़ कर सकते हैं लास्ट टाइम अगर आपको जरूरत पड़ती है, यहाँ पे क्यूब को प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है, अब क्यूब कितनी पैरामीटर लेगा, 3 एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे 3 3 3 लिखता हूँ ना, ये 3 वैसे ही मैंने 3 3 आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्यूब 3 पैरामीटर क्योंकि 3 पैरामीटर हमने यहाँ पे पास किए हैं, वो यहाँ पे मल्टीप्लाई रिटर्न होकर क्यूब के पास जा रहे हैं जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है, इसको सेव करते हैं, यहाँ क्यूब डॉट सी पी पी लिख लेता हूँ, ठीक है, और इसको अब कंपाइल करते हैं, जब कंपाइल करेंगे तो यहाँ पे देखें 3 × 3 = 9 × 9 × 3 = 27, तो यहाँ पे देखें 27 आ गए, तो इस पर्पज़ के लिए आप इस तरह से फिर आप इंट का यूज़ कर सकते हैं, अगर वाइड यूज़ करना है तो डायरेक्टली ऊपर या प्रिंट करवा देते हैं, ठीक है, मतलब आउटपुट करवा देते हैं, जैसे यहाँ पे हमने किया था कि यहाँ पे सी आउट करवा के कर दिया था, ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोग्राम आ रहा है, अब मैंने यहाँ पे परसेंटेज का आपको थोड़ा सा गाइडलाइन देना है, ठीक है, परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, ठीक है, देखें परसेंटेज तो सिंपल आप निकाल लेते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डू वाइल लूप यहाँ पे यूज़ करूँगा कि यूज़र से बार बार, अब मैंने इस तरह से प्रोग्राम बनाना है ना कि जब परसेंटेज यूज़र की निकल आती है, लास्ट टाइम लड़के ऐसे प्रोग्राम बनाते हैं परसेंटेज निकल आ गई तो प्रोग्राम क्लोज हो जाते हैं बस फिनिश, अब मैंने डू वाइल जो पीछे कंसेप्ट हमने यूज़ किया था वही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ करना है कि डू वाइल से दोबारा मतलब एक बंदा परसेंटेज डालते हैं निकल आई, ठीक है, डू यू वॉन्ट टू कंटिन्यू कि दोबारा से परसेंटेज और भी निकालना चाह रहे हो तो वाई प्रेस कर दो, दोबारा से ये प्रोग्राम रन हो जाएगा, परसेंटेज दोबारा से निकाल सकते हो, बजाय इसके कि आप दोबारा प्रोग्राम को कंपाइल करो, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं एंड मैन
यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे बेसिकली हमने करना क्या होगा, अब हमने यहाँ पे परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो जस्ट मैंने टू मेथड इसलिए लिखा था कि परसेंटेज निकालनी है क्योंकि बास टाइम लड़कों को पता नहीं परसेंटेज कैसे निकालते हैं। जस्ट मैं सिंपल ऐसा कर देता हूँ, एक सिंपल सी परसेंटेज निकाल के दे देता हूँ आपको, ठीक है, कि परसेंटेज कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे देखें वाइड यूज़ करता हूँ, वाइड क्यों यूज़ किया मैंने, जस्ट मेरी मर्जी, वाइड मैंने यूज़ किया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मैं यहाँ पे आता हूँ, इंट मैंने लिखा ऑब्टेन मार्क्स, यूज़र से क्या लेना है ऑब्टेन मार्क्स लेने, और बाय द वे इंट वाइड यूज़ करते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। इंट टोटल मार्क्स, दो पैरामीटर मैंने पास कर दिए, यूज़र से मैंने क्या लेने ऑब्टेन मार्क्स और टोटल मार्क्स लेने, ये तो आपको पता है कि हमें ऑब्टेन और टोटल मार्क्स चाहिए थे परसेंटेज निकालने के लिए, क्योंकि ऑब्टेन मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल, मल्टीप्लाई 100 तो डिफॉल्ट वो हो गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले परसेंटेज हम निकालनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है, फ्लोट का, कि परसेंटेज यार वो पॉइंट में आ जाए, ठीक है, फ्लोट तभी लिए, पर नाम ले दिए, ठीक है, परसेंटेज या ऐसे आप लिख सकते हैं परसेंटेज फाइंडर, ठीक है, पूरा नाम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, नाम है वेरिएबल का, इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स, जो ऑब्टेन मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो जाए 100 के साथ और डिवाइड हो जाए किसके साथ, टोटल मार्क्स के साथ। तो क्या होगा, जो परसेंटेज आएगी फ्लोट में चली जाएगी और मतलब परसेंटेज फाइंडर वेरिएबल में चली जाएगी, जो कि फ्लोट डेटा टाइप डिफाइन किए, और यहाँ पर मैं परसेंटेज फाइंडर को क्या करवा दूँगा, स्क्रीन पर प्रिंट करवा दूंगा, ठीक है, और यहाँ पे फंक्शन को कॉल करूँगा, मेरे फंक्शन का नाम है परसेंटेज, ठीक है, और इसके अंदर ऑब्टेन मार्क्स हैं, चलो 345 ऑब्टेन मार्क्स हैं, 550 टोटल मार्क्स हैं, आप परसेंटेज निकाल के दो, ठीक है। मैंने यहाँ पे इस फाइल को सेव कर देता हूँ percentage.cpp और इसको कंपाइल करता हूँ, ठीक है, कंपाइल करूँगा, अब स्क्रीन पर देखें जो 345 की परसेंटेज यहाँ पे 62 आ रही है मेरे पास, ठीक है, अब बेसिकली 62 इसलिए आ रही है, पॉइंट में इसलिए नहीं आ रही, हमने यहाँ पे फ्लोट नहीं लिया, ठीक है, तो हम जाहिर सी बात है फ्लोट में लेंगे तो तमाम आपके पास आउटपुट फ्लोट में ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखें 62.72 एंड फ्लोट में आ रही है आपके पास, ठीक है, फ्लोट वेरिएबल अगर आप डेटा टाइप यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैंने इसी प्रोग्राम को ऐसा बनाना है कि भाई यूज़र से दोबारा पूछे कि भाई यू कंसोल कि आप इस प्रोग्राम को दोबारा रन करना चाह रहे या नहीं करना चाह रहे, ठीक है, तो मैं ऐसा करूँगा, इस परसेंटेज को यहाँ से पहले इसको हटा देता हूँ, अब यहाँ पर आता हूँ, इसके अंदर काम करता हूँ, ठीक है, उसी तरह से डू वाइल लूप लगाया, ठीक है, यहाँ पर अभी मजीद आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, सबसे पहले स्क्रीन पर भाई परसेंटेज का, जब डू वाइल चलेगी तो परसेंटेज वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा, परसेंटेज वाला फंक्शन कार होगा, यूजर क्या होगा, परसेंटेज यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो जाएगी, ठीक है, परसेंटेज लेट से। अब मैं बताता हूँ कि यहाँ पे इस प्रोग्राम को ऐसा करते हैं, थोड़ा सा यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं, क्या करते हैं, यूज़र से वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ईजी है, यहाँ पे वाइड परसेंटेज, ठीक है, और यहाँ पे आके इसमें कोई पैरामीटर पास नहीं करते, क्योंकि पैरामीटर जब पास करते हैं हम यहाँ पे वैल्यू देते हैं। अब मैंने ऐसा नहीं करना, मैंने यूज़र से वैल्यू देनी है, ठीक है, तो मैं सबसे पहले स्क्रीन पे मैसेज शो करवा दूँगा, यूज़र को बोलूँगा, उससे पहले यहाँ पे मैं वेरिएबल डिक्लेयर कर दूँगा, ठीक है, एंड ऑब्टेन मार्क्स, उसके बाद एंड टोटल मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, जब स्क्रीन पे मैसेज होगा एंटर योर, मैं यहाँ पे लिख लूँगा एंटर योर ऑब्टेन मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स अपने डाल दो, ठीक है, यूज़र क्या करेगा, अपने ऑब्टेन मार्क्स डाल देगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे सीन करके उस ऑब्टेन मार्क्स को ले लूँगा और ऑब्टेन मार्क्स वेरिएबल जो मैंने क्रिएट किया उसमें स्टोर करवा दूँगा। उसके बाद दोबारा से मैसेज शो करवा के बोलूँगा एंटर योर टोटल मार्क्स, भाई जितने आपके टोटल मार्क्स हैं वो डाल दो, ठीक है, तो टोटल मार्क्स भी यूज़र क्या करेगा, डाल देगा, ठीक है, मैं वो भी ले लूँगा टोटल मार्क्स, और टोटल मार्क्स वेरिएबल के मैं अंदर स्टोर करवा दूँगा, ठीक है। जब मैंने इसको स्टोर करवा दिया और यहीं पे मैं क्या करूँगा, अब इस परसेंटेज को कैलकुलेट कर लूँगा, ठीक है, मैं यहाँ पे पर वेरिएबल का नाम लिखता हूँ ऑब्टेन मार्क्स, जैसे ऊपर हमने किया था, बिल्कुल सिंपल है, ऑब्टेन मार्क्स, जो क्योंकि ये यहाँ पे जो यूजर मार्क्स डालेगा वो इसके अंदर चले जाएंगे, तो मैंने यहाँ पे कहा मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाए और डिवाइडेड बाय इस टोटल मार्क्स के साथ यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे आपके यहाँ पे शो हो जाए, ठीक है। तो क्या यहाँ पे ये परसेंटेज निकल आके पर के अंदर स्टोर हो जाएगी, पर एक वेरिएबल का नाम मैंने लिए, और यहीं पे आप इसे क्या कर सकते हैं, प्रिंट करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि योर परसेंटेज इज, उसे मैसेज शो करवा सकता हूँ, डबल एस तक, उसके बाद पर अपने वेरिएबल का नाम, ठीक है, एंड लाइन यूज़ करते हैं तो कर लें एंड लाइन, लाइन ब्रेक के लिए, ठीक है, एंड लाइन हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब क्या होगा, अब हमारे ये फंक्शन डू के अंदर चलेगा, जब ये फंक्शन चलेगा या जाहिर सी बात है यूज़र से वैल्यू लेगा और परसेंटेज को प्रिंट करवाएगा, ठीक है, प्रिंट करवा दिया, बात खत्म। अब मैंने करना ये, मैं चाहता हूँ कि यार जब ये प्रिंट हो उसके बाद फिर से यूज़र को एक मैसेज शो हो जाए, क्या शो, कि मैं यहाँ पे बताऊँगा प्रेस वाई और स्मॉल वाई टू कंटिन्यू द प्रोग्राम, ठीक है, क्यों इस प्रोग्राम को दोबारा कंटिन्यू करना चाह रहे हो तो बस कीबोर्ड से वाई प्रेस करो, मैंने बता दिया, ठीक है। अब जाहिर सी बात है वो क्या करेक्टर में प्रिंट करवाएगा, उसी तरह से मैं करेक्टर डिक्लेयर कर देता हूँ, सॉरी इस टाइम पे सी एच ही लेना है, ठीक है, सी एच लिया करेक्टर के लिए, तो यहाँ पे करेक्टर आ जाएगा और इस करेक्टर को मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूँगा, चेक करूँगा वाइल में, ठीक है, यहाँ पे वाइल इस डू वाइल में ऐसे वर्क होता है, तो मैं चेक करूँगा यार ये सी एच बराबर है कैपिटल वाई के या फिर सी एच
इक्वल है स्मॉल वाई के, तो क्या कर दो, इसको दोबारा से चला दो। जब इसके बराबर होगी ना, इसका मतलब ये कंडीशन ठीक है ना, ट्रू है ना, तो ये दोबारा से ये वाला सॉरी ये डू वाइल चलेगी। जब ये फिर चले, फिर यूज़र अगर वाई डालते कैपिटल स्मॉल में, अगर जैज बार डालते हैं तो इसका मतलब ट्रू डाल रहे हैं ना, यहाँ पे चेक होगा इसके बराबर है, तो यहाँ पे फिर ये डू वाइल चलेगी। ठीक है, तो इस वजह से अगर कोई और डालते हैं तो जाहिर सी बात है बराबर नहीं होगी, तो फिर टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम। ठीक है, और जब भी डू वाइल बराबर होगी तो ये चलेगी, तो इसके अंदर ये वाला पूरा फंक्शन चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन कॉल किया हुआ है, फंक्शन यहाँ पे पूरा आपका हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से काम करेगा प्रोग्राम। इसको कंपाइल करते हैं और चेक करते हैं। अब यहाँ पे देखें इंटरव्यू और पेन मार्क्स मैंने डाल दिया भाई 347, जो भी टोटल मार्क्स 550। एंटर प्रेस किया तो यहाँ पे देखें योर परसेंटेज 63, और यहाँ पे देखें प्रेस एनी की सॉरी प्रेस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई टू कंटिन्यू। स्मॉल वाई प्रेस करो, फिर प्रोग्राम रन हो गया, ये मार्क्स डाल दिए। ठीक है जी, हमारे पास परसेंटेज आ गई यूज़र की। ठीक है, अगर 100 में से भी परसेंटेज निकालना चाह रहे हैं तो यूज़र से लेने का फ़ायदा ये है कि वो टोटल मार्क्स अपने मुताबिक डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें मैं कोई और की प्रेस एन डालता हूँ, एन डाला तो देखें प्रोग्राम क्लोज हो गया। ठीक है, सिंपल है, जस्ट ये आप इस तरह से भी प्रोग्राम बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास न्यू टॉपिक आ रहा है भाई, डिस्काउंट अमाउंट फॉर कस्टमर बेस्ट एग्जांपल। अब हमने यहाँ पे कंप्लीट प्रोग्राम बनाना है, जो कि इस प्रोग्राम में ये होगा कि हम यूज़र से बेसिकली एक कंप्लीट एक प्रोग्राम बनाएंगे। ठीक है, इस प्रोग्राम में ये होगा कि जाहिर सी बात है एक यूज़र शॉप पे जाता है। ठीक है, शॉप पे जाता है तो वहाँ पे वो क्या करता है कि शॉप पे जाके शॉपिंग करता है। ठीक है, अब उसे जो है वो शॉपकीपर कहते हैं कि भाई आपने ऐसा करना है, अगर आप शॉपिंग लेट से 5000 से ऊपर करते हो, 5000 प्राइस से ऊपर की करते हो, तो हम ऐसा करेंगे आपको 20% डिस्काउंट देंगे। ठीक है, अगर आप लेट से 5000 से कम की शॉपिंग करते हो तो हम ऐसा करेंगे आपको जो है 10% डिस्काउंट देंगे। तो उस तरह का प्रोग्राम कैसे बनाते हैं आप? ठीक है, ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले अपने फाइल में जाते हैं, कंट्रोल एन करके न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। ठीक है, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम, अपनी फाइल इंक्लूड कर देते हैं। ठीक है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारा मेन चलेगा। ठीक है, ये उसके बाद हमारे पास ये प्रोग्राम आएगा, रिटर्न करवा दिए भाई जीरो, कोई भी चीज़ रिटर्न में नहीं करवा रहा, रिटर्न जीरो मैंने इसलिए लिखा कि मैं कोई भी चीज़ यहाँ पे रिटर्न नहीं करवा रहा, वरना तो रिटर्न करवानी पड़ती है एंड में, तो मैं कोई भी चीज़ रिटर्न नहीं करवा रहा। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ना वॉइड, और यहाँ पे इसको नहीं लिखता। ठीक है, वॉइड में क्योंकि रिटर्न तो करवाते नहीं है, बस बात इस तरह भी लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद अब हमारे प्रोग्राम का मतलब क्या है, मकसद क्या है, मैंने यूज़र से क्या करना है, एक जैसे एक शॉपकीपर है या शॉप पे जाते हैं या ठीक है, तो आप क्या करते हैं वहाँ पे शॉपिंग करते हैं। ठीक है, अब शॉपिंग में हमने उसकी अमाउंट चेक करनी है कि भाई कितनी की शॉपिंग कर रहे हैं, अगर वो शॉपिंग हमारी कंडीशन है कि हम कहते हैं 5000 से ऊपर करते हैं तो भाई 20% डिस्काउंट के साथ करेंगे देंगे आपको। ठीक है, अगर इससे कम करते हो तो फिर 10% डिस्काउंट के साथ आपको डिस्काउंट करेंगे आपके साथ। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे क्या करते हैं डबल एक डेटा टाइप डिफाइन करते हैं, जो अमाउंट होगी वो डबल में, क्योंकि यूज़र 5000 डालते हैं 7000 डालते हैं, तो हम ऐसा करते हैं कि अमाउंट का वेरिएबल क्रिएट करके डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ऐसा करते हैं एक अमाउंट का वेरिएबल हमें चाहिए होगा, एक डिस्काउंट का वेरिएबल चाहिए होगा। ठीक है, मैं आपको बता दूँ ये हमें क्यों चाहिए होंगे। ठीक है, एक नेट पेएबल का, क्योंकि उसकी टोटल अमाउंट कितनी बनती है। अब अमाउंट इक्वल टू जीरो करता हूँ, क्यों, इनिशियली अमाउंट क्या है जीरो है, मतलब अमाउंट हमारे पास जीरो है। ठीक है, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे मैसेज शो करवाता हूँ, एंटर योर अमाउंट, लेट से आपके पास देखो एक मशीन होती है। ठीक है, एक डिवाइस है, अब वो डिवाइस आपसे पूछे भाई आपने शॉपिंग कर दी कितनी कर दी, वो अमाउंट डाल दो, जैसे आप कीबोर्ड से कुछ कीपैड से जो आप अमाउंट डालते हो। ठीक है, मैंने वो अमाउंट लेट से डाल दिए। ठीक है, वो सेम फंक्शन मैं क्या करूँगा, मैं वो अमाउंट ले लूँगा, अमाउंट के अंदर स्टोर करा दूंगा, इस टाइम अमाउंट कितनी है जीरो है। ठीक है, तो जब यूज़र यहाँ पे अमाउंट डालेगा तो वो अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अमाउंट मतलब यूज़र ने 4000 5000 7000 जो भी डाले वो इधर आ जाएगी। अब मैंने यहाँ पे वो चेक करना है कि भाई ये वाली अमाउंट अगर ग्रेटर देन है 5000, मतलब 5000 से ज़्यादा है, तो आप ऐसा करो इसको डिस्काउंट दे दो। डिस्काउंट क्या दो, डिस्काउंट ये दो कि भाई उस अमाउंट को मल्टीप्लाई कर दो कितने के साथ, 20 के साथ कर दो और डिवाइड 100। जब आप डिस्काउंट करते हैं तो ऐसा होता है कि जो अमाउंट होती है आपके पास, मतलब एक बंदा शॉपिंग करता है 5000 की या 10000 की, उस 10000 को डिस्काउंट कितना देना चाह रहे हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दे, मतलब 10000 मल्टीप्लाई 20 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो इसका एक डिस्काउंट अमाउंट निकल आ जाएगी। मतलब इसमें से जो इसकी जो डिस्काउंट निकल आया है वो डिस्काउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा। किसके अंदर, मैंने जो अभी डिस्काउंट वाला वेरिएबल ऊपर क्रिएट किया था, ठीक है, ये वाला मैंने तभी डिक्लेयर किया था कि मैं यहाँ पे फिर क्या करूँगा उस डिस्काउंट अमाउंट का, मतलब अगर फॉर एग्जाम्पल 5000 की उसने शॉपिंग की है तो 5000 के जितने भी आप उसका डिस्काउंट 500 आता है, 1000 आता है, 200 300 आता है, वो डिस्काउंट के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, डिस्काउंट के अंदर स्टोर हो जाएगा। उसके बाद मैं क्या करूँगा, नेट पेएबल जो मैंने कहा है कि अब इसने कितने पैसे देने होंगे भाई, ठीक है, मैंने क्या कर दिया, अब इसने कितने पैसे देने, नेट पेएबल मैंने जो ऊपर वेरिएबल डिक्लेयर किया, मैंने कहा इसमें चली जाए क्या, जो अमाउंट है टोटल
अमाउंट तो हमारे पास ये आ रही है ना, जो अमाउंट है वो अमाउंट में से क्या कर दो, माइनस कर दो डिस्काउंट को, जो डिस्काउंट बंदे का निकल आया परसेंटेज के हिसाब से, जो निकाल के हमने जो डिस्काउंट निकाला है ना, फर्ज करें आप 5000 की किया, अगर उसका लेट से 700-800 डिस्काउंट निकल आता है, ठीक है, या 300 डिस्काउंट निकल आता है, तो डिस्काउंट 300 यहाँ पे स्टोर है, तो अमाउंट कितनी है 5000 माइनस 300, तो जो नेट अमाउंट है इधर आ जाएगी, और फिर हम इसीलिए यहाँ पे नेट अमाउंट को क्या करवा देंगे, प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ द डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20% कि भाई 20% पे जो डिस्काउंट आपको मिला है 20% इज रुपीज़, ये मैसेज शो करवा के मैं यहाँ पे लिख लूँगा डिस्काउंट, मतलब जो डिस्काउंट मैंने डिस्काउंट निकाल के दिए, ठीक है, जो डिस्काउंट निकल आया है ना वो यहाँ पे डिस्काउंट भी शो हो जाएगा, और साथ में उसके बाद फिर जो नेट अमाउंट नेट पेएबल है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिख लूँगा योर पेएबल पेएबल अमाउंट इज, ठीक है, जो आपने पे करनी है वो क्या है, वो जो मैंने नेट पेएबल वेरिएबल के अंदर स्टोर की है, ठीक है, यहाँ पे अमाउंट माइनस डिस्काउंट निकला के इसके अंदर मैंने यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। उसके बाद अगर 20% पे होगा तो ये पता चलेगा, अगर 20% पे नहीं है तो हम 10% पे, आपकी मर्जी, आप जितने पे लेना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे उसी तरह से डिस्काउंट इक्वल कर देंगे कितना, 10 अमाउंट मल्टीप्लाई बाई 10, अब 10 के साथ करना चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैं कहता हूँ जब 5000 से कम करेगा तो उसे 10% डिस्काउंट दे दो, ठीक है। उसी तरह से नेट पेएबल के अंदर क्या चली जाएगी, अमाउंट माइनस डिस्काउंट, तो ये इसके अंदर चला जाएगा, और यहाँ पे मैं बता दूंगा द डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% इज रुपीज, ठीक है, यहाँ पे जो भी नेट अमाउंट सॉरी हमारे पास जो डिस्काउंट निकल आ रहा है, ठीक है, अब 10% के हिसाब से यहाँ पे देखें 10% के हिसाब से निकला है, तो वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है, यहाँ पे एंड लाइन कर दूँगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या करवा दूँगा उसे बता दूँगा योर पेएबल अमाउंट इज़, आपने जो अभी पे करनी है वो अमाउंट क्या है, तो यहाँ पे नेट पेएबल हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये प्रोग्राम काम करेगा, ठीक है, इस प्रोग्राम को इसको सेव करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ discount.cpp लिख लेता हूँ, फाइल का नाम है, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको रन करते हैं, चेक करते हैं, यहाँ पे एक एरर आया हमारे पास, क्यों एरर आया, चलिए यहाँ पे एंट लिखते हैं और यहाँ पे टोटल 0 कर देते हैं, ठीक है, इसको आप कंपाइल करते हैं, तो अब यहाँ पे देखें एंटर योर अमाउंट, अब हमारे पास अमाउंट वाला मैसेज शो हो रहा है, ठीक है, तो मैं अमाउंट डालता हूँ लेट से 4000, कितनी डालता हूँ 4000, एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें द डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 10% इज़ रुपीज़ 400, योर पेएबल अमाउंट इज़ 3600 रुपये, आपने पे करने होंगे कितने पे, 10% पे, देखें 10% पे डिस्काउंट निकला है, अगर मैं इसको दोबारा कंपाइल करता हूँ, दोबारा कंपाइल करने के बाद मैं यहाँ पे 5000 से ज़्यादा डालता हूँ, क्योंकि मैंने 5000 डाली है, 5500 डाल देता हूँ, ठीक है, इंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे देखें योर डिस्काउंट एट द रेट ऑफ 20%, क्योंकि 5000 से ऊपर है, तो यहाँ पे देखें 1100 डिस्काउंट मिले इससे, और यहाँ पे इसकी अमाउंट लेस होकर 4400 रुपये इससे अभी इसकी पेएबल अमाउंट है, ये पे करेगा, ठीक है, तो इस तरह से ये आप कंप्लीट डिस्काउंट सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है, तो ये तो था कि आप कैसे डिस्काउंट सिस्टम बना सकते हैं, ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट देखते हैं कि हमने क्या करना है, अब एरेस के साथ थोड़ा सा खेलते हैं हमने, ठीक है, एरेस पे वर्क करना है कि भाई एरेस कैसे काम करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, तो एरेस पे क्या है, सिंपल है, एरे देखें वेरिएबल क्या होते हैं, टू स्टोर वन टाइप ऑफ वैल्यू वी कैन यूज़ एरेस, सॉरी वी कैन यूज़ वेरिएबल टू स्टोर मल्टीपल टाइप्स ऑफ वैल्यू, मतलब एक वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यू स्टोर करना चाह रहे हो तो आप क्या यूज़ करोगे, एरे यूज़ करोगे, ठीक है, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, एरे को यूज़ करते हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा वैल्यू को स्टोर करने के लिए हम एरे यूज़ करते हैं, एरे को कैसे डिक्लेयर करते हैं, एरे के पहले डेटा टाइप डिफाइन करते हैं आप किस टाइप की एरे बनाना चाहते हैं, उसके बाद एरे का नाम, मैं एरे का नाम AR रख देता हूँ, ठीक है, या मैं नंबर्स रख देता हूँ, ठीक है, इक्वल कर देता हूँ, यहाँ पे आपने कर्ली ब्रेसेस डालनी है, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस डालने के बाद यहाँ पे आपने लास्ट में सेमी कॉलन डालना है, यहाँ पे वैल्यू डालनी है, ठीक है, जितनी भी कॉमा से सेपरेट करनी है, अब यहाँ पे देखो मैंने 4 वैल्यू यहाँ पे क्या कर दिया, एक एरे के अंदर देखें एक वेरिएबल ही है, जस्ट एरे टाइप वेरिएबल है, उसने क्या कर दिया कि 4 वैल्यू मैंने स्टोर कर दिया, आप मर्जी जितनी भी डालना चाह रहे, और यहाँ पे आपने ब्रैकेट लगाना है कि आप यहाँ पे बताओ कि भाई मैंने कितनी वैल्यू स्टोर करना चाह रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पे 6 लिखता हूँ तो मैं यहाँ पे 6 तक स्टोर करवा सकता हूँ, जितनी आप लेंथ बताओगे, ठीक है,
तो मैंने यहाँ पे ये लेंथ लिखी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब इनको प्रिंट करवाना है स्क्रीन पे, तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे नंबर्स, आप लिखोगे अपने वेरिएबल का नाम नंबर्स, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट डालोगे ये वाली, ठीक है। और यहाँ पे आपने इंडेक्स नंबर देने होगा, इंडेक्स नंबर बेसिकली एरेस के अंदर होते हैं, इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, मतलब इंडेक्स नंबर, अब इनको इंडेक्स नंबर मिल चुका है, ठीक है। तो जीरो से स्टार्ट होते हैं, मतलब क्या हुआ, फोर को जीरो मिला हुआ है, फाइव को वन टू थ्री एंड सो ऑन। अगर मैं यहाँ पे जीरो लिखता हूँ तो इसका मतलब स्क्रीन पे क्या प्रिंट होगा, फोर पहला वाला प्रिंट होगा, ठीक है। रेड आर सी पी पी लिख लेता हूँ और यहाँ पे एंड लाइन कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको सेव करके कंपाइल करता हूँ, तो यहाँ पे देखें जीरो है, जीरो इंडेक्स फॉरवर्ड टारगेट करेगा, ठीक है। यहाँ पे देखें स्क्रीन पे फोर शो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे लेट से तीन लिखता हूँ तो इसका क्या मतलब है, जीरो वन टू थ्री नाइन पे आ रहा है, क्योंकि इंडेक्स नंबर जीरो से स्टार्ट होते हैं, जीरो वन टू थ्री नाइन स्क्रीन पे शो होना चाहिए। ये हमारा देखें अब ये नाइन स्क्रीन पे शो हो जाएगा आफ्टर कंपाइलेशन, यहाँ पे देखें नाइन स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो इस तरह से आप एरेज पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जस्ट सिंपल थोड़ा सा प्रोग्राम बनाते हैं एरेज में, थोड़ा सा सिंपल से प्रोग्राम बनाते हैं। क्या प्रोग्राम है, स्टोर नंबर्स इन वन एरे ऑटोमेटिकली, मतलब एक एरे बनाता हूँ ना, उसके अंदर यूज़र से वैल्यू लेता हूँ और स्टोर करते जा रहा हूँ। अगर यूज़र कीबोर्ड से मैं एक वैल्यू रखता हूँ कि माइनस वन प्रेस करते तो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, ठीक है। कैसे देखें, करने के बाद आपको समझ आ जाएगी कि मेरा मतलब क्या है। यहाँ पे लिखा एंड मैन और यहाँ पे आके रिटर्न ज़ीरो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने करना क्या है, देखें मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, लेट से इसके अंदर वैल्यू रखता हूँ 50, ठीक है। मैं 50 तक इस एरे के अंदर स्टोर कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे देखो पहले मैंने इनिशियलाइज़ किया था पिछली वीडियो में, यहाँ पे इनिशियलाइज, और यहाँ पे देखो मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। मैं इसके अंदर क्योंकि मैं यूज़र से लूँगा, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ नंबर का, ठीक है, नंबर्स का। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ एक ऐसा करता हूँ कि यहाँ पे बेसिकली एक मैसेज एंट आई इक्वल टू जीरो कर देता हूँ, ठीक है। एक आई वेरिएबल मैंने डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। आई वेरिएबल मैंने क्यों डिक्लेयर किया मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे डू वाइल लूप लगाता हूँ। डू वाइल में क्या लगाता हूँ, मैं कहता हूँ यार एंटर अ नंबर्स, यूजर से बोलता हूँ एंटर नंबर्स, नंबर डालते रहो भाई, नंबर डालते रहो। यहाँ पर मैं लिखता हूँ माइनस वन, ये मैसेज है, ठीक है, माइनस वन टू एंड इनपुट, मतलब अगर आपने माइनस वन प्रेस, आप नंबर डालोगे 5, 3, 7, ठीक है, वो जाते जाएंगे इस एरे के अंदर स्टोर होंगे, और अगर आपने माइनस वन डाल दिया तो ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सीन की मदद से वो जो नंबर हैं, ये जो नंबर्स आ रहे हैं, मैं ये नंबर्स ले रहा हूँ, ये वाले नंबर तभी मैंने डिक्लेयर किए क्योंकि यूज़र से ये वाले नंबर मैं ले रही हूँ, ठीक है। जब मैंने नंबर ले लिया, यहाँ पर मैं कंडीशन लगाता हूँ, चेक करो भाई ये वाले नंबर जो यूज़र से जो मैं ले रहा हूँ, ठीक है, जो यूज़र नंबर डाल रहे हैं वो नॉट इक्वल टू हो, नॉट इक्वल टू हो किसके, माइनस वन के। अगर यूज़र माइनस वन डालते हैं ना तो जाहिर सी बात है प्रोग्राम क्लोज जाएगा। यहाँ मैं कहता हूँ नॉट इक्वल टू हो, तो आप ऐसा करो, जो मैंने एरे क्रिएट किए ऊपर, एरे जो क्रिएट किए मैंने यहाँ पे, तो आप ऐसा करो उस एरे के अंदर क्या कर दो, उस एरे के अंदर मैंने यहाँ पे देखें इंट आई जीरो तब लिखा कि मैंने यहाँ पे आई लिखा है ना, आप आई दिया है जीरो है ना, तो मैं क्या करता हूँ, जाहिर सी बात है इसकी लेंथ क्या है 50 है, 50 तक चलेगा। तो क्या होगा, यहाँ पे मैं उस नंबर्स को स्टोर करते जा रहा हूँ, मतलब ये डू वाइल है ना चलती जाएगी कब तक, जब वाइल हमारी एंड नहीं होती, ठीक है। मैं यहाँ पे बोलूँगा इस नंबर इज नॉट इक्वल टू माइनस वन, कि जब नंबर माइनस वन मतलब नॉट इक्वल टू माइनस वन हो तो चलते रहो, ठीक है, माइनस वन होगी तो प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। एंड आई इज़ लेस देन 50, मतलब आई की 50 है ना तो 50 तक ही, अगर लेट्स देर से यूज़र को मैसेज शो ही होता है, वो डालते ही रहते हैं, डालते ही 50 सुपर कर देते हैं, तो इसका मतलब मैंने तो ऊपर 50 तक ये किया कि 50 तक स्टोर कर सकते हो। इसी वजह से मैंने यहाँ पे कहा कि भाई 50 तक है, अगर कवन डालते हैं 50 से ज़्यादा डाल दिया उसने, मतलब ये कि 50 तक वैल्यू, ये नहीं है कि पहली वैल्यू आप 500 डालें तो ठीक, 55 डालेंगे तो गलत होगी, नहीं, पहली वैल्यू ठीक होगी, 50 तक नंबर डालने हैं आपने, ठीक है, तो 50 तक वो कोई भी नंबर आप डाल सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद वो अगर 50 से ज़्यादा नंबर डालें तो ये भी चेक करेगा, फिर क्लोज हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा प्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, वो नंबर आप डालते रहोगे, ये इसके आई के अंदर स्टोर होते जाएंगे, और यहाँ पे आके मैं आई प्लस प्लस करूँगा कि भाई ये जो मैंने आई डिक्लेयर की जीरो के नाम से, और यहाँ पर मैंने कहा कि नंबर्स इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन, ये वाला नंबर जो यूज़र देगा वो इधर स्टोर होगा, वो अगर नॉट इक्वल टू है माइनस वन तो मतलब वो 5, 3, 4 जो भी डाल रहे हैं, वो ऐसा करो वो वाले नंबर इस एरे के अंदर स्टोर करते जाओ, और यहाँ पे प्लस प्लस इसलिए किया कि इंक्रीमेंट करते जाओ, कहाँ तक, जी वाइल लूप है, नॉट इक्वल टू माइनस वन हो या फिर आई इज लेस देन 50 हो, ठीक है, तो ये चलता जाएगा, ठीक है। जब देखें नंबर इज़ नॉट इक्वल टू माइनस वन होगा तो ये फिर चलेगा, अगर लेस देन 50 होगा तो भी चलेगा, अगर यहाँ पे ग्रेटर देन हो जाएगा 50 सुपर हो जाएगा ये फिर भी क्लोज हो जाएगा, अगर माइनस वन डालते हैं तो भी ये प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं उसको प्रिंट करवा दूँगा, ठीक है, मैं बता दूँगा टोटल नंबर, टोटल नंबर इज़ लिख लेते हो या आर लिख लेते हो जो भी है, ठीक है, यहाँ पर लिख लेता हूँ
आई माइनस वन लिख लेता हूँ, ठीक है। आई माइनस वन मैंने क्यों लिखे मैं बताता हूँ आपको, पहले मैं इसे सेव कर दूँ फिर मैं आपको बताता हूँ। ये प्रोग्राम है जस्ट मैं वन नाम डॉट सी पी पी रख लेता हूँ, ठीक है। इसको मैं कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे मैंने आई थिंक एरर, तो एरर क्या है यहाँ पे हमने सेमी कॉलन नहीं डाला, ठीक है। तो इसको दोबारा से कंपाइल करते हैं। अब यहाँ पे देखें मैं नंबर डालता हूँ, लेट से मैंने डाला 3 2 1, जी डालता रहता हूँ। अब मैं अगर माइनस वन डालता हूँ तो देखें क्लोज हो गया, योर टोटल नंबर इज़ टोटल नंबर इज़ 5। ये 5 क्यों आया, देखें 1 2 3 4 5, और यहाँ पे देखें माइनस वन, मैंने ये इस वजह से आई माइनस वन किया है ना। अगर आप माइनस वन भी डालेंगे, जाहिर सी बात है क्लोज करने के लिए माइनस वन तो डालेंगे ही डालेंगे ना, तो वन आई माइनस मैंने तब किया कि उस माइनस को बीच में से हटा दो। देखो ये मैंने डाला ना, उसके बाद मैंने माइनस वन डाला तो देखें 4 आया ना, 1 2 3 4। वैसे डाले मैंने कितने, 5 है, माइनस वन भी तो डाला है ना, तभी मैंने कहा कि आई माइनस वन कर दो भाई, उस लास्ट वाले को नहीं डालना फिर, वो आई माइनस हो जाएगा, मतलब लास्ट वाला माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जब माइनस होगा, यूज़र ने माइनस वन लिखा होगा वहाँ पर ना, तभी वो जो माइनस वन लिखा होगा ना, वो मैंने यहाँ पर उसको आई माइनस वन कर दी कि भाई आई में जितने भी स्टोर है ना उसमें से लास्ट वाला जो है उसको हटा दो, ठीक है। लास्ट वाले इसलिए हटा दो क्योंकि यूज़र वहाँ पे टर्मिनल क्लोज करने के लिए माइनस वन डालेगा या कोई और वैल्यू डालता है, ठीक है, ए बी सी डाल देता है, ठीक है। तो इस वजह से ये प्रोग्राम चलता जाएगा। इस प्रोग्राम का मकसद क्या है कि इसमें आप एक एरर ले के उसके अंदर आप वैल्यू डालते रहते हो, ठीक है, डालते रहते हो, ठीक है, वैल्यू डालते रहते हो, ठीक है। माइनस वन प्रेस किया तो प्रोग्राम जो है क्लोज हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, अच्छा तो इस प्रोग्राम, ये जिस प्रोग्राम के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसका थोड़ा सा, इसके बाद मैं इसका प्रैक्टिकल बताता हूँ कि यार आप एक प्रोग्राम बनाता हूँ, बताता हूँ कि इसका यूज़ कैसे करोगे आप, ठीक है। यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, ठीक है। अब मैं जो प्रोग्राम बनाता हूँ, मैं यूज़र से वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है, उस यूज़र से जितनी भी एरर की वैल्यू मैं ले रहा हूँ उनको मैं जमा करा के शो करवा देता हूँ, प्लस करवाता हूँ, ठीक है। यूज़र की तमाम ली हुई वैल्यू को मैं प्लस करवाता हूँ, कैसे करवाना है देखें। उसी तरह से एक वेरिएबल ले लिया मैं, कितनी वैल्यू, मैं चले 5 वैल्यू यूज़र से लूँगा, कितनी वैल्यू आपकी मर्ज़ी, आप जितनी भी लेना चाह रहे हैं 5। उसके बाद मैं सम के एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ या एक मिनट में बताता हूँ आपको। मैंने उसके बाद मैसेज शो करवाया, एंटर नंबर्स टू सम ऑफ ऑल नंबर्स, ठीक है। नंबर डालते जाओ भाई और उसमें सम करूँगा, कैसे, फॉर लूप लगाऊँगा, एंड आई इक्वल टू ज़ीरो, आई अगर इक्वल टू ज़ीरो है, आई इज़ लेस देन 5 है, मतलब जी वाला 5, तो 5 टाइम तो जी चलेगा, ठीक है। आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस 5 मरतबा ये लूप चलेगा। तो मैंने क्या करना है, आपने ऐसा करना है भाई 5 मरतबा ये जो आई आपने ऊपर क्रिएट की, सॉरी ये ए जो है एरे, आप ऐसा करो उसमें वैल्यू डालते रहो, ठीक है। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हो जब ये मैसेज शो होगा उसके बाद ये लूप 5 मरतबा चलेगा, तो सीन फंक्शन भी 5 मरतबा चलेगा। पहली मरतबा जब चलेगा तो आई की वैल्यू 0 है, तो 0 में मतलब इंडेक्स 0 पे पहली वैल्यू आ जाएगी, 1 पे 5 मरतबा चलेगा ना, तो 1 पे दूसरी लूप है ना, आई में 0 है, फिर आई में दूसरी मरतबा 2 हो जाए, 1 हो जाएगा, 2 3 यहाँ तक, ठीक है। तो क्या होगा, उनमें वैल्यू स्टोर होती जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे नीचे मैं क्या करवा दूँगा उसको, यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा, प्रिंट के लिए भी फॉर लूप यूज़ करूँगा, एंड आई इक्वल टू 0 कर देता हूँ, आई इज़ लेस देन 5 कर देता हूँ, आई प्लस प्लस, क्यों, मैंने सबको अगर प्रिंट करवाना है एक साथ तो फिर मैं सबके लिए यही करूँगा कि लूप लगाऊँगा कि सारी वैल्यू को शो करवा दूँ। अगर आपने एक करवानी है तो डायरेक्टली आप सी आउट लिख के इस वेरिएबल का नाम लिख के उसमें जो भी इंडेक्स नंबर पास करते हैं जो भी वो प्रिंट, लेकिन सबको करवाना है तो मैं ये कर सकता हूँ। उसके लिए मैं सम एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, सम इक्वल टू 0, बताता हूँ क्यों। यहाँ पे मैंने लिखा सम इक्वल टू सम प्लस इक्वल टू ए आई, मतलब जो ए आई की वैल्यू आ रही है वो क्या करते जाओ, सम करते, सम में डालते जाओ, सम क्या है 0 है ना। तो पहली मरतबा मैंने 5 डाला, 5 किया भाई इसके अंदर, दूसरी मरतबा मैंने 3 डाला, 3 किया इसके अंदर। लेकिन प्लस इक्वल टू का क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ पे इक्वल डालता हूँ ना, लेट से आपने 5 डाला तो 5 इधर चला गया, आपने 3 डाला 5 हट गया, 3 के ऊपर रिप्लेस हो गया। प्लस इक्वल टू का मतलब ये है कि पिछली वैल्यू को साथ रखो और जो न्यू वैल्यू आ रही है उसको उसमें प्लस करते जाओ। मतलब आपने पहले मैंने 3 डाला तो 3 चला गया सम के अंदर, फिर दोबारा लूप चलेगा, ये 5 मरतबा चलेगा लूप, तो दूसरी मरतबा आपने 5 डाला, 5 भी जाएगा क्या होगा, प्लस होके वो जो पीछे 3 डाला उसके साथ प्लस होके 8 हो जाएगा, 8 कहाँ पे, ये सम के अंदर मैंने स्टोर कर दिया। आप यहाँ पे दूसरे वेरिएबल ले सकते हैं, मैंने इसी के अंदर स्टोर करवा दिया, ठीक है। और ये 0 मैंने इसलिए लिखा है ना, देखो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे वैल्यू मतलब 0 है, तो यहाँ पे जो पहली वैल्यू आ रही है 3, तो क्या हो रहा है 3 0 प्लस 3, तो 3 आ रहा है। अगर यहाँ पे मैं 0 नहीं डालता लेट से, तो कंप्यूटर खुद से उसे पता ही नहीं है भाई, वो गार्बेज एक वैल्यू रख देगा, मतलब कुछ भी रैंडम सी वैल्यू रख देगा, और मैं 3 प्लस वो वैल्यू करूँगा तो कुछ अजीब आंसर आएगा। तभी मैंने इनिशियलाइज 0 से कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको सेमी कॉलन से क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे नीचे आके मैं जस्ट क्या कर देता हूँ, मैसेज भी शो करवा देता हूँ, सम ऑफ ऑल नंबर इज़, ठीक है।
तमाम नंबर का सम क्या है, वो सम के अंदर पड़ा हुआ है। किसके अंदर पड़ा हुआ है? सम के अंदर पड़ा हुआ है, इस सम के अंदर, ठीक है। वो सम होकर जो आ रहा है ना, वो इसके अंदर पड़ा हुआ है। मैंने यहाँ पे इसको क्या कर दिया, इसको प्रिंट करवा दिया, ठीक है। इसको सेव करता हूँ, सम ऑफ ऑल वैल्यूज डॉट सी पी पी, इसको कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद इसको रन करेंगे, चेक करते हैं, हम वैल्यू डालते हैं, ठीक है। एंटर नंबर मैंने 4 डाला, इंटरप्रेस किया 5 डाला, इंटरप्रेस के 7 डाला, 1 डाला, इंटरप्रेस के फिर 1 डाला, 5 मरतबा चला है, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल नंबर इज़ 18, इनको सम करो तो 18 आपके पास आंसर आता है। तो इस तरह से आप ये कंप्लीट देखें, इजीली आप यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो काफ़ी ईजी है, ठीक है, ईजिली आप इस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद अब हमारे पास एक, हमने एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, ठीक है, जिसमें बेसिकली मैंने ऐसा करना है कि सम ऑफ स्क्वेयर करना है, ठीक है, वैल्यू का स्क्वेयर करना है, वैल्यू का स्क्वेयर करना है कि स्क्वेयर कैसे करते हैं वैल्यू इसका, ठीक है। तो वैल्यू का पीछे मैंने क्यूब में आपको बताया था, उस तरह से आप स्क्वेयर भी इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो चले ऐसा कर देते हैं एक प्रोग्राम, यहाँ पे हमारे पास कौन कौन से रहेंगे, सम ऑफ नंबर, ये हो गया, फाइंड अ नंबर फ्राम एरेज, ठीक है। अब एक एरे है से आपके पास, एक एरे, ठीक है, एरे में डिफरेंट वैल्यू है, आपकी मर्ज़ी आपने जितनी वैल्यू भी रखी है। मैंने एक, ये बेसिकली एक एल्गोरिथम का टॉपिक है, ठीक है। मैंने ये करना है कि उसमें से एक यूज़र से बोलूँगा एंटर नंबर डालो भाई, जो नंबर डालो चेक करो भाई उस एरे के अंदर है या नहीं है। अब यूज़र जो भी नंबर डालेगा ना, मैं उस एरे के अंदर जाकर चेक करूँगा, अगर है तो बताएगा यार ये नंबर अवेलेबल है, नहीं है तो भाई नॉट अवेलेबल, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, हैश आइसक्रीम ये डाल देता हूँ, उसके बाद नेम स्पेस, ठीक है, नेम स्पेस के बाद एस टी डी, उसके बाद मेन फंक्शन चलाएंगे अपना, ठीक है। तो मैं मेन फंक्शन पे क्या करूँगा, यहाँ पे मेन फंक्शन में आके सबसे पहले यहाँ पे एक एरे लेता हूँ, लेट से 50 नंबर के लिए लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक इनपुट वेरिएबल ले लेता हूँ, जो यूज़र से इनपुट लेगा, ठीक है, यूज़र से इनपुट लेगा बाई चेक करने के लिए, ठीक है। मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, एंड आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन 50, तो आई को प्लस करो, मतलब मेरे मतलब ये है ना, जो मैंने यहाँ पे एरे 50 नंबर किए, वो मैं 50 नंबर तक जनरेट करना चाह रहा हूँ, 1, 2, 3 एंड सो 50 तक। मैं क्या करूँगा, ए आई के अंदर क्या करूँगा, आई की वैल्यू स्टोर करवा दूँगा, ठीक है, मतलब इसके अंदर जो आ रही है, ठीक है, सॉरी आई जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, मेरे पास जो वैल्यू आ रही है, मतलब क्या, आई इक्वल टू 0, आई इज़ लेस दैन 50 है, ठीक है। तो 50 से अगर ये छोटा है तो 50 तक ये लूप चलेगा। तो आप क्या करो, ये जो एरे है उसके अंदर क्या करते रहो, आई की वैल्यू को स्टोर करते जाओ, मतलब आई की वैल्यू क्या 0 है तो 0 जाएगी, इसके अंदर 1 है, 50 मरते जाएगी तो 0, 1, 2, 3 एंड 50 तक यहाँ पे स्टोर होती जाएगी, ठीक है। 50 तक स्टोर होने के बाद यहाँ पे मैं एक मैसेज प्रिंट करवा दूँगा, मैं बता दूँगा एंटर अ नंबर टू फाइंड इन एरे, जो आपने एरे क्रिएट किया उसमें से वो नंबर कोई नंबर फाइंड करना चाह रहे हो, तो उसके लिए क्या करना होगा, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ इनपुट, ठीक है, ये मैसेज होगा तो वो नंबर यूज़र डालेगा 534 जो भी 725 जो भी डालते हैं वो इनपुट के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, मैं कहता हूँ एंड आई इक्वल टू 0 है, आई इज़ लेस दैन 50 के, 50 मरतबा चलाओ इसे, 50 मरतबा चलाओ। और यहाँ पर मैं ये बोलूँगा इफ़ जो यूज़र ने इनपुट डाला है वो इक्वल टू है किसके, जो ए आई है, मतलब जो एरे है, पूरी एरे के अंदर सारी वैल्यू स्टोर हो चुकी है, मैं चेक करूंगा कि यार उसके अंदर ये वाली इनपुट जो है ये इक्वल टू है इनमें से किसी भी एक नंबर के, अगर इक्वल है तो ऐसा करो, यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ, मैं बताता हूँ फाउंड इक्वल टू 0 कर देता हूँ, फाउंड 0 कर देता हूँ, और यहाँ पे आके अगर है तो फाउंड को क्या कर दो, फाउंड को 1 कर दो, 1 क्यों कर दो, देखो मैं बताता हूँ, जब फाउंड 1 हो जाएगा यहाँ पे मैं ब्रेक लगाता हूँ कि नीचे ना जाए, जब ये चेक होगा है तो ठीक है, एक वेरिएबल मैंने फाउंड क्रिएट किया था 0 है, ठीक है, खुद से कि चलो एक फाउंड 0 है, ठीक है, मैं यहाँ पे फाउंड लिखा है, फाउंड लिखना होगा, ठीक है, फाउंड 0 है। तो यहाँ पे मैं चलो पहले इसको सेव भी कर देते हैं, सर्चिंग लिख लेते हैं डॉट सी पी पी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, जब ये चेक करेगा भाई ये इसके अंदर अवेलेबल है तो फाउंड की यहाँ पे जो 0 है ना यहाँ पे 1 कर देगा, उसके बाद ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, जब ब्रेक हो जाएगा इसका मतलब प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। अब मैं इस लूप के बाहर जाता हूँ, मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगाता हूँ, मैं कहता हूँ फाउंड जो फाउंड है अगर इक्वल टू 1 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे तो फाउंड 0 है, अगर यहाँ पे 1 अगर ये 1 है इसका मतलब है यहाँ पे तो कुछ चेंज हुआ है ना, यहाँ पे ये अवेलेबल है, देखो इक्वल टू इसके अंदर है तो फाउंड को 1 कर दो, इसका मतलब 1 है तो फिर यहाँ पे मैसेज शो करवा दो। मैं जस्ट इतनी लिख लेता हूँ, ज़्यादा लंबा मैसेज नहीं लिखता, अवेलेबल कि भाई है, ठीक है, अगर नहीं है तो इल्ज़ वाला चला दो, ठीक है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नॉट अवेलेबल, मैं लिख लेता हूँ नॉट अवेलेबल, ठीक है, इसको सेव करते हैं। अब यहाँ पे देखें क्या है, सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले एरे क्रिएट किए, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक लूप लगाई है, ठीक है, ये इनपुट एक वेरिएबल क्रिएट किए, नीचे बताता हूँ, यहाँ पे एक एरे मैंने चला दी 50 में,
मतलब है, एक तो मैंने तो यहाँ पे डिक्लेयर किया है ना, अब मैंने कहा कि एरे का साइज़ है 50, तो आप क्या करो उसी एरे के अंदर नंबर डालते जाओ 50 तक, 0 1 2 3 0 से स्टार्ट होंगे 50 तक, 49 तक जाएंगे, 50 इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, ठीक है। 50 जब इसके अंदर स्टोर हो जाएंगे, मैंने कहा एंट्री कर एक नंबर डाल दो, यूज़र से बोल रहा हूँ कि नंबर डाल दो सर्च करने के लिए, यूज़र यहाँ पे नंबर डालते हैं, ठीक है, यूज़र ने 57 जो भी डाला है, अब 50 तक हमारे पास नंबर स्टोर है। मैंने यहाँ पे लूप लगाया, मैंने कहा कि भाई वो नंबर चेक करो जो यूज़र ने डाला है, वो अगर इस एरे के अंदर एग्जिस्ट करते हैं तो जो फाउंड वाला मैंने एक वेरिएबल खुद से क्रिएट किया था यार ये इस टाइम 0 है, तो अब यहाँ पे फिर 1 कर देना, अगर है तो 1 कर देना, नहीं है तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रेक लगा देना, ब्रेक इसलिए लगा देना क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको नीचे चेक करने की भाई ये फाउंड बस यहाँ तक के है अवेलेबल है, तो बस इसको बस ब्रेक लगा दो भाई, इसे दोबारा ना चला दो, बस है। तो मैंने कहा वो फाउंड अगर ए के बराबर है, 1 के बराबर है, इसका मतलब अवेलेबल है, यहाँ पे 1 मैंने लिखा है तो ये वाला अवेलेबल मैसेज हो जाएगा, जाहिर सी बात है नहीं होगा तो ये इस वाला मैसेज हो जाएगा, ठीक है। इसको कंपाइल कर, जब कंपाइल करेंगे उसके बाद हमारे पास 0 से 49 तक आई थिंक नंबर अवेलेबल है क्योंकि एरे के अंदर स्टोर है। मैं अब देखो यहाँ पे इंटर नंबर टू फाइंड, मैं 4 लिखता हूँ, तो मैंने 4 लिखा तो इसने कहा अवेलेबल है, क्यों, जाहिर सी बात है 0 से 49 तक 4 आता है तो 4 अवेलेबल है, ठीक है। अब मैं दोबारा कंपाइल करके यहाँ पे कुछ और लिखता हूँ, ठीक है। लेट्स से मैं यहाँ पे लिखता हूँ 55, इंटर प्रेस की तो नॉट अवेलेबल, क्योंकि 55 यहाँ पे नॉट अवेलेबल है, 0 जो लूप चल रही है वो कहाँ तक चल रही है, 50 तक चल रही है। अगर मैं यहाँ पे 100 करता हूँ तो 100 तक चेक करेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट यहाँ पे देखें हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जितने भी हमने प्रोग्राम थे सारे कवर कर दिए एडवांस लेवल पे, ठीक है। अब अगली वीडियो में मजीद इससे एडवांस लेवल पे अल्गोरिथम टाइप्स वीडियो देखेंगे, और एसटीएल पे मैं लेके आऊँगा आपको, काफ़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसटीएल, जिसमें काफ़ी एडवांस चीज़ें आप सीख सकते हैं, ठीक है। और आपको डेटा स्ट्रक्चर सीखने की ज़रूरत ही नहीं है ज़्यादा, मतलब वैसे कहानी चाहिए, आगे एडवांस लेवल की इतनी ज़रूरत नहीं है, एसटीएल आप सीखेंगे तो बहुत ही फायदेमंद है, ठीक है, आपके लिए। एसटीएल में बिल्ट इन सारी चीज़ें, लिस्ट, क्यू, डेटा स्ट्रक्चर का सारा कुछ पड़ा हुआ है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको वो बताऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीक में। ओके, थैंक्स, बाय।